जो बिजली मेरे तुम्हारे में आती है, वही है लेकर आई हूँ हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लानो हाँ, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो absolutely for free at learnahub.com so there it is a let's get started मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल devices दैट वी यूज रिक्वायर एसी वोल्टेज एसी बोले तो alternating current. चाहे बात कर लो फ्रिज की या वॉशिंग मशीन की 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 या की, या टीवी माइक्रोवेव इन चाहिए होता होता है है? बोले तो alternating current. But alternating current होता क्या है? Alternating इस वर्ड से क्या समझ में आता है ऑल्टरनेटली कोई चीज जो चेंज होते रहे और कुछ ऐसा ही है हमारा ऑल्टरनेटिंग current. ऑल्टरनेटिंग current वैसा करंट होता है विथ चेंजेस डिरेक्शन विद टाइम टाइम के साथ-साथ वो अपना डिरेक्शन चेंज करता रहता है कभी ऊपर तो कभी नीचे कभी ऊपर तो कभी नीचे यही चलता रहता है अल्टरनेटिंग करंट के साथ इनफैक्ट अगर आप इस ग्राफ को देखो जहां पर आपको साइन फंक्शन का ग्राफ दिख रहा है तो समझ लो कि अल्टरनेटिंग करंट भी जो है ना कुछ इसी तरह का होता है देखो कभी ऊपर तो कभी नीचे तो बच्चों जब हम करंट की बात कर रहे हैं करंट दो टाइप के होते हैं डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी अल्टरनेटिंग करंट बोले तो एसी अब डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं बाय द वे करंट क्या होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तभी तो करंट बनता है ओके okay, तो अब डायरेक्ट करंट में जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह एकदम सीधे 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 लाइन में जाते हैं लेकिन वही जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे ऐसे कभी इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे करके जाते हैं राइट अब देखा जाए तो अगर ग्राफिकली हम देखें तो डायरेक्ट करंट में देखो कैसे जा रहा है यू स्ट्रेट लाइन में करंट तो चल रहा है भाई ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो वो भी आगे तो बढ़ रहा है लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे बढ़ रहा है राइट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्ट करंट के, के केस में मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बराबर है कांस्टेंट है लेकिन वहीं अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो क्या हो रहा है देखो अल्टरनेटिंग करंट में क्या हो रहा है मैग्नीट्यूड जो है उसका चेंज हो रहा है विथ टाइम हर टाइम पे उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिरेक्ट करंट को हम बैटरीज में स्टोर कर सकते हैं इनफैक्ट आपने देखा होगा राइट जो बैटरीज हम यूज करते हैं जिससे बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस चलते हैं राइट तो वो बैटरीज क्या करती हैं वो करंट प्रोवाइड करती है तो वो कौन सा करंट प्रोवाइड करती है डायरेक्ट करंट लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट को हम बैटरीज में स्टोर नहीं कर सकते हैं अब आप पूछोगे क्यों

तो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है एक और तरह के डिवाइस है जिसे हम कहते हैं एसी जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हैं कैसे जनरेट करते हैं कैसे चलते हैं जनरेटर्स ये भी हम पढ़ेंगे बट जनरेटर्स पढ़ेंगे हम इस वीडियो के टुवर्ड्स द एंड तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे बहुत तरह के अलग अलग टाइप के एसी सर्किट्स तो शुरुआत करेंगे रेजिस्टिव सर्किट से फिर चलेंगे इंडक्टिव सर्किट की तरफ फिर चलेंगे कैपेसिटिव सर्किट की तरफ और फिर डिस्कस करेंगे हम सीरीज एलसीआर सर्किट यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर सब कुछ हो तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा एक प्योरली रजिस्टिव सर्किट ठीक है रजिस्टिव एसी सर्किट में क्या होता है एक रेजिस्टर होता है और एक एसी सोर्स होता है एसी सोर्स का मतलब क्या होता है कोई भी ऐसा सोर्स जो प्रोड्यूस करता है साइनियोसोइडिली वैरिंग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है जो साइन फंक्शन की तरह वैरी करे राइट right? कभी ऊपर कभी नीचे जैसा कि मैंने बताया था ठीक है अच्छा जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एसी सोर्स को डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं ठीक है याद है जब हम डीसी सोर्स का डिनोट करते थे सर्किट में तो कैसे दिखाते थे बैटरी के सिंबल से राइट बैटरी या सेल जो भी कह लो ऐसे एक लंबा डंडी एक छोटा डंडी वैसे दिखाते थे है ना ओके तो जब ए सी सोर्स हो तो हम हमेशा इस सिंबल का यूज करेंगे ठीक है अच्छा जैसा कि मैंने बताया एसी सोर्स है मतलब कैसा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा की तरह कर मतलब अगर साइन फंक्शन तो की तरह ये करेगा जहां पर वी एम क्या है इस पोटेंशियल का पीक वैल्यू है ठीक है क्योंकि जो साइन फंक्शन होता है उस साइन फंक्शन का एक पीक वैल्यू होता है राइट सो दैट पीक वैल्यू इज वी एम क्लियर हो गया ओके okay. अब देखना यह है कि इस सर्किट में करंट कैसे वैरी करेगा ठीक है तो हम क्या करते हैं हम अपने बेसिक्स पे चले जाते हैं किर्च लॉ लगाते थे हम लोग याद है तो ये एक लूप है इसमें अगर हम लॉ लगाएं तो क्या होगा डिफरेंस दैट इज जनरेटेड बाई द ए सी सोर्स विच इज वी एम साइन ओमेगा इज इक्वल टू आई आर तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा डिवाइडेड बाई आर है ना अब अगर वी एम आई आर को हम आई एम मान ले ठीक है मतलब पीक वैल्यू ऑफ करेंट तो करेंट का एक्सप्रेशन कैसा आ गया आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमिका टी तो यानी कि यहां पे क्या हो रहा है कि जो करेंट इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है वो करंट भी जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है साइनियोसोइडली वैरी कर रहा है साइन फंक्शन की तरह वो भी वैरी कर रहा है राइट right. यानी कि ये किस तरह का करंट है देखो यहाँ पर ऑब्वियसली ए सी करंट है इस सर्किट के थ्रू ठीक है तो भाई वोल्टेज और करंट का जो ये रिलेशनशिप है इसको अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे hmm. V इज वी एम साइन ओमेगा टी आई इज आई एम साइन ओमेगा टी यानी कि V के लिए भी एक साइन कर्व बनाना पड़ेगा और I के लिए भी एक साइन कर्व बनाना पड़ेगा चलो बना देते हैं ठीक है इन दोनों में फर्क क्या होगा दोनों ही तो साइन फंक्शन है ठीक है फर्क क्या है इनके पीक वैल्यूज अलग होंगे ठीक है V का जो पीक वैल्यू है दैट इज वी एम आई का जो पीक वैल्यू है वो आई एम है और आई एम और वी एम के बीच में कोई रिलेशन हमें पता है बिल्कुल पता है आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर यानी कि आई एम की जो वैल्यू है वो वी एम से कम है कैसे पता अरे ऑब्वियसली बात है ना अब मान लो एक वैल्यू है टेन तो टेन डिवाइडेड बाई टू जो होगा वो क्या होगा टेन से कम ही होगा ना टेन डिवाइडेड बाई टू कितना होगा 5 होगा होगा राइट राइट डिवाइडेड डिवाइडेड करोगे वो भी 10 से तो कम होगा, तो तो कम यानी कि Vm R कर दिया तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो तो वी एम से कम ही होगी है कि नहीं तो इसीलिए जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप देखोगे देखो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्या है बहुत सिंपल है वी एम साइन ओमेगा के लिए एक साइन कर्व है आई एम साइन ओमेगा टी के लिए भी एक सिमिलर साइन कर्व है जस्ट दैट उसकी पीक वैल्यू थोड़ी कम है इसीलिए देखो उस साइन कर्व का जो ऊपर का जो पीक वैल्यू है वो थोड़ा सा वी वाले वोल्टेज वाले कर्व से थोड़ा नीचे है ओके okay, अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें कुछ कुछ बातें पता चलती है पहली बात तो हमें यह पता चलती है कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज ये दोनों फेज में हैं राइट right? मतलब जो एंगल है ना जैसे दोनों का ही साइन ओमेगा है तो ओमेगा दोनों के लिए साथ में चेंज हो रहा है तो दोनों फेज में है पहली बात दूसरी बात एवरेज करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो एक 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 पूरा पूरा साइकिल साइकिल देख लो right? राइट में पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया तो एक पूरे साइकिल में जो एवरेज करंट है वो जीरो है एक पूरे साइकिल में जो एवरेज वोल्टेज है वो भी जीरो है तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं पावर एसोसिएटेड विथ अ रेजिस्टर ठीक है पावर के बारे में हमें क्या पता है सबसे पहले तो देखो अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस पावर की अस सपोज इंस्टेंटेनियस पावर को हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं सो दिस इक्वल टू आई स्क्वेर आर ठीक है और एक रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमने अभी अभी देखा कि हम आई को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है ना तो हम i के बदले में यहां पर लिख सकते हैं आई एम स्क्वेर साइन स्क्वेर ओमेगा टी आर जैसा है वैसा ही रहेगा ठीक है ध्यान देना यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर की मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पावर कितना है ठीक है तो अब अगर एक लंबे टाइम पीरियड के लिए पावर निकालना हो तो उसके लिए हमें एवरेज पावर निकालना होगा तो चलो एवरेज पावर निकालते हैं लेटर से एवरेज पावर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं तो हम क्या करेंगे ये जो इंस्टेंटेनियस पावर था हमारा विच इज आई स्क्वेर आर इसका हम एवरेज निकालेंगे तो जनरली आप अपने टेक्स्ट बुक्स में भी देखोगे एवरेज को डिनोट करने के लिए हम इस तरह से पी के ऊपर एक बार का सिंबल दे देते हैं विच मीनस दिस इज एवरेज उसी तरह जब हम किसी भी क्वांटिटी का एवरेज निकालते हैं तो उस क्वांटिटी को हम ये ट्रैंगुलर ऐसे वाले एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं ठीक है तो अब यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं एवरेज ऑफ आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अब यहां में देखो क्या है ये आई एम स्क्वायर आर जो है ये तो कांस्टेंट है कॉन्स्टेंट है इन द सेंस कि एवरेज आप किसके ऊपर निकाल रहे हो टाइम के ऊपर राइट right? कि 0 से टाइम टी तक निकाल रहे हो तो इसीलिए जहां पर टी वाला टर्म है उसी का आप एवरेज निकालोगे सो so ये ऐसा कुछ हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर एवरेज ऑफ स्क्वायर ओमेगा टी अब हमारे पास टास्क क्या बचा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना कि एक कंप्लीट साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा का एवरेज वैल्यू कितना होगा तो चलो निकाल के देखते हैं तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है कि कॉस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा दिस इज फ्रॉम अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ठीक है अच्छा अब यहां से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को फिर हम क्या लिख सकते हैं कॉस टू थीटा ये वन इधर आ जाएगा तो माइनस वन ठीक है माइनस वन हो जाएगा और ये जो टू है ये नीचे आ जाएगा और इधर एक माइनस था वो माइनस भी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू ठीक है साइन स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं अब अगर मान लो हम इसका एवरेज निकालते हैं दोनों साइड अगर हम इसका एवरेज लेते हैं तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा इधर देखो वन बाई टू तो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट एज इट इज निकल के आ जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा वन बाई टू इस सेकेंड वाले टर्म में भी वन बाई टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया अंदर बचेगा कॉस टू थीटा अब एक कंप्लीट साइकिल में अगर कॉस थीटा के ग्राफ को देखो ग्राफिकली ये सब चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होती है कॉस थीटा के अगर ग्राफ को देखो तो एक कंप्लीट साइकिल में कॉस टू थीटा का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा तो यानी कि ये जो पूरा जो टर्म है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा वन बाई टू तो यानी कि साइंस स्क्वायर थीटा का एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होगा दैट विल बी वन बाई टू अब इसी का यूज हम यहां पे करेंगे तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर आर इंटू वन बाई टू यानी कि ये हो जाएगा हाफ आई एम स्क्वायर आर तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एवरेज पावर की वैल्यू होगी इन केस ऑफ अ रेजिस्टिव सर्किट या फिर रेजिस्टर वो वैल्यू कितनी होगी हाफ आई एम स्क्वेर इंटू आर तो प्यारे बच्चों यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगी मैं आर एम एस वोल्टेज यानी कि रूट मीन स्क्वेड वोल्टेज अब आप सोचोगे हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं चलो वही पहले बता देती हूँ अब देखो नॉर्मली एक डीसी सर्किट में क्या होता है कि भाई इतना वोल्टेज दिया हाँ ठीक है लोड के ऊपर इतना वोल्टेज लग रहा है ठीक है एसी सर्किट की जैसी बात करते हैं तो जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है एसी सोर्स वो वोल्टेज क्या है साइनसॉइडली वैरिंग है कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वैसा साइकिल चलता रहता है उसका तो एक डीसी साइकिल के इक्विवेलेंट पावर देने वाला जो वोल्टेज होता है एक एसी सर्किट में उसे हम रूट मीन स्क्वाड वोल्टेज कहते हैं राइट क्योंकि एसी सर्किट में जो पीक वोल्टेज होता है वो तो ये बताता है कि भाई इस वोल्टेज की वैल्यू पीक कब होती है राइट जो वी होता है यानी कि वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी उसमें वी तो मुझे सिर्फ ये बताता है कि भाई इसकी वैल्यू ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चेंज हो रही है बट डीसी सर्किट के इक्विवेलेंट पावर देने वाला जो वोल्टेज का वैल्यू है एक एसी सर्किट में वो वैल्यू होता है रूट मीन स्क्ड वोल्टेज तो यही इसका सिग्निफिकेंस है ठीक है तो रूट मीन स्क्ट वोल्टेज होता क्या है इसे हम इफेक्टिव वोल्टेज भी कहते हैं और अगर इसके नाम पर फोकस करो रूट मीन स्क्वेड मतलब जो वोल्ट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो है वोल्टेज की क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू हर इंस्टेंट में तो अलग होती है एसी में है ना तो लेट्स एक एक इंस्टेंट में वी वन है अगले इंस्टेंट में वी टू है उसके अगले इंस्टेंट में वी थ्री है उसके अगले इंस्टेंट में वी फोर है एंड सो ऑन तो सबसे पहले तो इन सारे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को स्क्वायर कर दो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर V4 स्क्वायर उसके बाद इन सबका मीन निकालो यानी कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर ठीक है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो ठीक है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर्ड वोल्टेज ठीक है इसे हम शॉर्ट में वी आर एम एस भी कहते हैं ओके अब यहाँ पर हम ए के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ए के कॉन्टेक्स्ट में जो वोल्टेज होता है दैट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है ना इसको हम पीक वोल्टेज के टर्म्स में इसका एक रिलेशन निकाल सकते हैं विच इज़ वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू या फिर वी एम बाई रूट टू मतलब पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई रूट टू ये वैल्यू मुझे देता है रूट स्क्वेयर रूट मीन स्क्वायर यानी कि आर एम एस वोल्टेज की वैल्यू ठीक इसी तरीके से हम बात करते हैं आई आर एम एस के बारे में यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट तो बच्चों जिस तरीके से वी आर एम एस डिस्कस किया ठीक उसी तरीके से आई आर एम एस के लिए भी सारी बातें सही है आई आर एम एस बोले तो रूट मीन स्क्वायर करंट जिसे हम इफेक्टिव करंट भी कहते हैं इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्स ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट बिल्कुल और इसका भी मीन करंट के साथ एक रिलेशन होता है विच इज आई इज इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाई रूट टू यानी कि मीन करंट को डिवाइड कर दो रूट ओवर टू से जो वैल्यू मिलेगा वही हो जाएगा आरएमएस करंट यानी रूट मीन करंट वही सवाल फिर से शायद दिमाग में आ रहा होगा कि हम आर एम एस ही क्यों रहे हैं जैसा कि मैंने बताया, एक AC circuit को, एक को की तरह equivalently, देखने के लिए हमें इन आरएमएस वैल्यूज की जरूरत पड़ती है फॉर एग्जाम्पल एक डीसी सर्किट में जब हम पावर की बात करते हैं तो हम पावर को कैसे लिखते हैं पी इज इक्वल टू आई आर हम करेंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में पावर को लिखते हैं अब एसी पावर को ठीक इसी तरीके से डीसी पावर के इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है और वही स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट है आई आर एम एस यानी कि रूट मीन करंट तो बच्चों अब देखते हैं रूट मीन स्क्वाड वोल्टेज की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं ठीक है तो यहां पर हम दो कैटेगरी की बात करेंगे एक तो हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रीट वैल्यूज डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ठीक है डिस्क्रीट और दूसरा है कंटीन्यूस वैल्यूज कंटिन्यूस मतलब जिसको तुम डिस्क्रीटली नहीं देख पाते हो मतलब इसका कंटीन्यूस और डिस्क्रीट को समझने का सबसे आसान तरीका होता है जब भी डिस्क्रीट की बात होती है तो आप सोच लो सीढ़ी की बात हो रही है जब आप सीढ़ी से चढ़ते हो तो आप बता सकते हो राइट सीढ़ी नंबर वन सीढ़ी नंबर टू सीढ़ी नंबर थ्री सीढ़ी नंबर फोर एंड सो वन तो डिस्क्रीट स्टेप्स हैं लेकिन वहीं अगर सीढ़ी ना होके कहीं पर ऐसा रैम्प रहे तो रैम्प में तो मतलब सारे जो पॉइंट है ना वो एक के बाद एक कंटिन्यूस है तो यू कांट से कि भाई वन टू थ्री फोर स्टेप्स है उसमें राइट सो इट इज कंटिन्यूस बात समझ में आ गई ओके सो इसको हम कंटिन्यूस कहते हैं तो अब चलो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज दी हुई हैं वोल्टेजेस की फॉर एग्जाम्पल अस सपोज कि हमने एक ऐसा सिचुएशन लिया जहाँ पर लेट्स वी वन वी टू वी थ्री एंड सो ऑन ये सारे डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस हैं एट इंस्टेंट ऑफ टाइम लेट्स टी वन टी टू टी थ्री एंड सो ऑन मतलब t1 वन इंस्टेंट पे v1 वन वैल्यू है t2 इंस्टेंट पे v2 टू वैल्यू है v3 है v4 है v4 एंड सो ऑन तो ऐसे केस में हम वी आर एम एस कैसे निकालेंगे VRMS, RMS बोले तो रूट मीन सबसे पहले क्या करो इनका स्क्वायर करो वी वन स्क्र वी टू ऑन सबका स्क्वायर करते चले जाओ ठीक है रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर तो कर दिया अब इनका मीन निकालो v1 square plus v2 square plus v3 square so on up सो ऑन अप टू square से ठीक है डिवाइडेड बाई एन मीन निकाल लिया फिर से नाम पे फोकस करो रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर निकाल दिया मीन निकाल दिया रूट बचा रहा यानी कि इसका स्क्वायर रूट कर दो ठीक है तो ये हो गया मेरा रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ओके अब सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं विच इज इंस्टेंटेनियस कंटिन्यूस वैल्यूज मतलब जो वोल्टेज की वैल्यूज हैं वो वी वन वी टू वी थ्री ऐसे करके हमारे पास दिया हुआ नहीं है हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कि भाई v जो है दैट इज इक्वल टू लेट से वी एम साइन ओमेगा साइन फंक्शन का ग्राफ देखा है सबने देखा ही होगा कैसा होता है साइन का ग्राफ ऐसा यानी कि ये ग्राफ से क्या पता चल रहा है हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ना ऐसे 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 वैल्यूज चेंज होती जा रही सो यू डोंट हैव दैट डिस्क्रीट वन टू थ्री सीडी के तरह ना वो डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है ये एक कंटिन्यूअस ग्राफ है यानी कि कंटिन्यूअस सेट ऑफ वैल्यूज है तो ऐसे केस में हम वी कैसे निकालेंगे देखो नाम पे जाना है फिर से वी है मतलब सबसे पहले तो स्क्वायर करना है ठीक है किसका स्क्वायर करोगे ऑब्वियसली वोल्टेज का स्क्वायर करोगे V का स्क्वायर करोगे लेकिन अब चूंकि मेरे पास V1, V2, V3 टू वैल्यूज नहीं है तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे एवरेज हम निकाल नहीं सकेंगे जब इस तरह के कंटिन्यूस वैल्यूज की बात होती है तब हम करते हैं इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे कहाँ मतलब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ऑब्वियसली टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे कि भाई जीरो से लेकर के टाइम टी तक के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर डी मीन था यानी कि मीन निकालना है तो ये जो डी के ऊपर इंटीग्रेट करोगे डिवाइडेड बाई कैपिटल टी कर दो मतलब जिस टाइम पीरियड के लिए निकाल रहे हो जीरो टू कैपिटल टी इस टाइम पीरियड के लिए हम इंटीग्रेट करें कि भाई इसी को जो है ना छोटे 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 जितने भी पार्ट है सबको इंटीग्रेट कर दो ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया और ये रूट मीन स्क्वायर है तो ऊपर रूट ओवर तो भाई लगाना ही पड़ेगा तो रूट ओवर भी लगा दिया तो इस तरीके से अगर कंटिन्यूस वैल्यूज दी हुई है तब हम वी आर एम एस निकालते हैं इनफैक्ट अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी रूट ओवर वन बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ वी की जगह हम लिख देंगे वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं फुल एंड फाइनल तो हमें मिलता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई रूट ओवर टू और बच्चों लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इस रिलेशन के ऊपर बेस करके आपको कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं तो ये रिलेशन आपको जरूर याद करना है अब इसको मैंने डिटेल में नहीं किया ऑलरेडी लर्न इंटीग्रेशन विच यू हैव इन योर मैथमेटिक्स इसको आप खुद से सॉल्व करके देखो दिस इज वॉट यू विल गेट ठीक है चलो आगे बढ़े तो भाई ए सी डिस्कस करते ही हमें करंट के ढेर सारी वैल्यूज मिल गई तो चलो फटाफट से करते हैं एक क्विक रिकैप हमने क्या सीखा ऑल्टरनेटिंग करंट की जब हम बात करते हैं तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी यानी कि जो करंट होता है वो एक साइन फंक्शन की तरह वैरी करता है आई एम जो होता है ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है मतलब करंट जो है यही मैक्सिमम वैल्यू है जो करंट ले सकता है अमेजिंग इसके अलावा हमने सीखा कि एक और वैल्यू होती है करंट की दैट इज रूट मीन स्क्वाड करंट यानी कि आई आर एम एस जिसकी वैल्यू होती है आई एम डिवाइडेड बाई रूट टू इसके अलावा हमने और भी ये सीखा कि एक कंप्लीट साइकिल में आई एवरेज जो होता है जो एवरेज वैल्यू होता है करंट का दैट इज इक्वल टू जीरो ऐसा क्यों अगर मैथमेटिकली देखें ग्राफिकली तो हमें देख के ऑब्वियसली समझ में आता है अगर मैथमेटिकली देखना चाहे तो भी हम इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कैसे एवरेज कैसे निकालते हैं करंट यानी कि आई का एव इंटीग्रेट कर दो ओवर डी यानी कि पूरा एक टाइम इंटरवल एक कंप्लीट साइकिल मतलब टाइम पीरियड टी सो जीरो से लेके कैपिटल टी तक में i को कर दो इंटीग्रेट राइट एंड उसके बाद इसको डिवाइड कर दो डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम पीरियड व्हिच इज टी दैट मींस वन बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे फ्रॉम जीरो टू टी तो अगर इसकी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं तो दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो व्हिच मींस एवरेज करेंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू जीरो तो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ तो हम ऑलमोस्ट बचपन से ही करते हैं दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए यहाँ पर सीखेंगे आज हम एक नया चीज़ जिसे हम कहते हैं फेज़र डायग्राम्स अब आप सोचोगे कि फेज़र डायग्राम्स होते क्या हैं तो फेजर डायग्राम्स कुछ ऐसे डायग्राम्स होते हैं जो एसी सर्किट्स के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप हमें दिखाते हैं हालांकि हम इस रिलेशनशिप को ग्राफिकली भी दिखाते हैं बट फेजर डायग्राम्स एक और ऑल्टरनेटिव तरीका है जिससे हम वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं अब इन्हें हम फेजर क्यों कहते हैं फेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वोल्टेज और करंट के बीच का फेज रिलेशनशिप बताता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है या फिर आउट ऑफ फेज है अगर आउट ऑफ फेज है तो कितना बाय कितना वो आउट ऑफ फेज है तो ये सारी चीजें हमें फेजर्स बताती हैं इसीलिए हम इन्हें कहते हैं फेजर डायग्राम्स तो सबसे पहला सवाल वॉट आर फेजर्स फेजर क्या होता है फेज़र एक ऐसा वेक्टर होता है जो रोटेशन करने के काबिल होता है विच इज़ केपेबल ऑफ रोटेशन अबाउट द ओरिजिन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो यू यू, यू 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 रोटेट कर सकता है उसे हम कहते हैं फेज़र ठीक है अब ये फेज़र डिनोट क्या करते हैं तो अगर हम इन फेजर्स की ये होते तो वेक्टर्स के जैसे ये तो इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होता है तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो बताता है वो डिनोट करता है साइन्यूसोइडली वैरिंग क्वांटिटी को मतलब जैसे ए सी के केस के में अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हम कैसे डिनोट करते हैं वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा तो ये जो V है ये एक साइनियोसोइडली वैरिंग क्वांटिटी है ये साइन फंक्शन की तरह वैरी करने वाला एक क्वांटिटी है तो हमारा फेजर का जो वर्टिकल कॉम्पोनेट है वो इस V को डिनोट करेगा ठीक है फेजर का जो मैग्नीट्यूड है मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ है दैट मैग्नीट्यूड डिनोट्स द पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी यानी कि वी एम की वैल्यू डिनोट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर या फिर फेजर ठीक है बाकी रहा ओमेगा टी जहां से हमें फेज एंगल का पता चलेगा ओमेगा टी कैसा पत, कैसे पता चलेगा तो अगर हम देखें जो मेरा फेजर होगा ना वो एक्स एक्सेस के अबाउट कुछ एंगल बनाता जाएगा ओमेगा टी या उससे ज्यादा या उससे कम तो वो जो एंगल है वो हमें बताएगा ओमेगा टी की वैल्यू ठीक है अब देखो मैं आपको इसको रिलेट कराती हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम यही चीजों को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखो तो देखो क्या पता चलता है जब ओमेगा टी की वैल्यू जीरो है 45 है 90 है उससे ज़्यादा है 180 है 360 है तो देखो कैसे कैसे इन्हीं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को हम फेज़र डायग्राम में दिखा सकते हैं तो अब आपको पता चल रहा है फेजर डायग्राम कैसा दिखता है तो फेज़र डायग्राम एक समझ लो कि एक ऑल्टरनेट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम वोल्टेज और करेंट इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं ठीक है क्लियर हो गया अमेजिंग तो बच्चे चलो अब हम देखते हैं फेजर डायग्राम फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट एक रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम कैसा दिखेगा ग्राफिकल कैसा दिखेगा वो भी यहां दिख रहा है फेजर कैसा दिखेगा वो भी यहां दिख रहा है तो दोनों को मैंने एक साथ किया है ताकि यू कैन को रिलेट द टू इससे पहले कि हम दोनों में से कोई सा भी डायग्राम देखें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अभी अभी हमने क्या सीखा कि अगर एक रेजिस्टिव सर्किट है तो वी जो होता है दैट इज वी एम साइन ओमेगा टी मतलब अगर जो हमारा सोर्स है इसी सोर्स है उसका जो वोल्टेज है वो अगर वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है तो करंट का रिलेशनशिप कैसा होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी ठीक है ये दो रिलेशन हमने अभी अभी देखे तो इसका मतलब है इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई वोल्टेज का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक साइन ग्राफ के जैसा होगा साइन कर्व होगा करंट का बनाएंगे तो वो भी एक साइन कर्व होगा फिर दोनों में फर्क क्या होगा क्योंकि दोनों में ही तो साइन ओमेगा टी है फर्क किस चीज का है वोल्टेज वाले में वीएम है और करंट वाले में आईएम है वी एम क्या है वोल्टेज का पीक वैल्यू आई एम क्या है करंट का पीक वैल्यू इसका मतलब दोनों का ही साइन ग्राफ बनेगा लेकिन दोनों के पीक वैल्यूज अलग होंगे ठीक है अब दूसरा सवाल ये आता है कि, कि किसका पीक वैल्यू ज्यादा होगा और किसका कम होगा वो हमें कौन बताएगा जब हमने ये एक्सप्रेशन डिड्यूस किए थे अभी थोड़ी देर पहले तो हमने क्या देखा था आई एम जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई आर ये एक्सप्रेशन हमने देखा था ठीक है अब आप खुद मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आपको क्या लग रहा है किसकी वैल्यू ज्यादा है लेट लेटर सपोज अगर वी एम की वैल्यू टेन है तो टेन डिवाइडेड बाय समथिंग जो है वो करंट की वैल्यू है मतलब टेन डिवाइडेड बाय टू करंट की वैल्यू है तो करंट की वैल्यू ऑल द टाइम वोल्टेज की वैल्यू से कम होगी है ना तो इसका मतलब आई एम की वैल्यू कम होगी अब आप ग्राफ को देखो देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है दिस ब्लू कलर इज फॉर वोल्टेज क्यों क्योंकि इसका पीक वैल्यू ज्यादा है ठीक है जो ये डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है ये है करंट का देखो क्यों क्योंकि इसकी जो पीक वैल्यू है ये वोल्टेज से कम है समझ आ गई बट दोनों का है साइन भी तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो समझ में आ गया अब इसी का फेजर डायग्राम देखते हैं फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग कि भाई ये जो इसकी पीक वैल्यू जो है ना पीक वैल्यू कितनी है ये वाली जो वैल्यू है वोल्टेज की ठीक है ये वाली पीक वैल्यू जो है वो क्या होगा वोल्टेज का जो फेज़र है ना मतलब यहाँ से ले करके यहाँ तक ये यह पूरा वोल्टेज का जो ये फेज़र है इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा वी एम करेंट के केस में क्या होगा दोनों का ही ओमेगा टी है इसीलिए ये वाला एंगल तो दोनों का ही ओमेगा टी ही रहेगा जब करंट की बात करेंगे तो करंट का जो ये वाला लेंथ होगा ये थोड़ा सा कम होगा ये यहीं तक जाएगा राइट right? क्यों क्योंकि आई एम की वैल्यू जो है वो वी एम से कम है तो यहां से हम क्या देख रहे हैं वोल्टेज और करंट दोनों का ही जो फेजर है दे आर अलोंग द सेम लाइन क्यों क्योंकि दोनों का ही जो फेज एंगल इन्वॉल्व है दैट इज ओमेगा टी देखो ना एक्सप्रेशन में इसका भी साइन ओमेगा टी है इसका भी साइन ओमेगा टी है इसीलिए दोनों जो है दे आर इन द सेम फेज तो फेजर डायग्राम को देख के हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट के केस में वोल्टेज करेंट जो होता है दे आर इन द सेम फेज इनफैक्ट इसे कहने का एक तरीका और हो सकता है कि फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है मतलब दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है सो फेज एंगल बिटवीन देम इज जीरो तो बच्चा बाटिए अब आप पहुंचे हैं हम इंडक्टिव एसी सर्किट पे इंडक्टिव मतलब एक ऐसा एसी सर्किट जिसके अंदर क्या है इंडक्टर एग्जैक्टली exactly. तो कैसा होगा हमारा एसी सर्किट इसमें एक एसी सोर्स रहेगा और एक इंडक्टर रहेगा और हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है ताकि इस पिक्चर में सिर्फ इंडक्टेंस रहे रेजिस्टेंस ना आ सके ठीक है तो ये बन जाएगा हमारा एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट ठीक है ओके okay. मान लेते हैं कि जो हमारा सोर्स है वो जो वोल्टेज दे रहा है दैट इज वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अब जब हम किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाते हैं तो करंट के लिए जो एक्सप्रेशन निकल के आता है दैट इज I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू दिमाग की घंटी बजी बिल्कुल बजी होगी कि यहां पर जो है करंट के एक्सप्रेशन में एक माइनस पाई बाई टू की एंट्री हो चुकी है तो चलो देखेंगे कि हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस तो भाई इंडक्टिव एसी सर्किट में V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ठीक है यहां पे आई एम की वैल्यू क्या होगी फट से आप बोलोगे कि आई की वैल्यू होगी वी एम बाई आर आर कैसे आर तो यहां है ही नहीं यहां पे क्या है यहां पे तो सिर्फ इंडक्टेंस है तो यहां पर हम देखते हैं कि आई की वैल्यू होती है वी एम डिवाइडेड बाई ओमेगा एल वहां पर फिर से हमारे दिमाग की घंटी बजती है कि इसका मतलब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस जो काम कर रहा था वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है ओमेगा एल कर रहा है तो यानी कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक इंडक्टिव सर्किट का जो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है दैट इज ओमेगा एल तो अब इसके लिए एक अलग नाम देना जरूरी था क्योंकि रेजिस्टर के उस प्रॉपर्टी को अगर हम रेजिस्टेंस कहते हैं तो इंडक्टर के उस प्रॉपर्टी को भी हमें कुछ अलग से नाम देना होगा तो हमने उसका नाम दे दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस ठीक है इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ये एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस वाली ही चीज है बट विच इज बिकॉज ऑफ द इंडक्टर इसको हम डिनोट करते हैं एक्स एल से एंड एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल इसका एसआई यूनिट ओम ही होता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है इंडक्टिव रिएक्टेंस अलग नाम सिर्फ इसलिए दिया गया है जस्ट टू शो कि ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ये एक इंडक्टर से आ रहा है एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो एक्सेल है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस करंट को वैसे ही रेजिस्ट करता है जिस तरीके से एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस करंट को रोकता है तो चलो अब देखें इंडक्टिव ए सर्किट का डायग्राम कैसा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले देखेंगे ठीक है तो अभी अभी हमने क्या सीखा कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर अगर जो मेरा ए वोल्टेज सोर्स है वो वोल्टेज अगर वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है तो करंट का रिलेशन कैसा होता है करंट का रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू ठीक है ये दोनों रिलेशन अभी अभी हमने देखे अब ग्राफ को भूल जाओ सबसे पहले लॉजिकली सोचो कि रिलेशन को देख करके क्या लग रहा है क्या ये दोनों सेम फेज में है नहीं है क्यों क्योंकि देखो साइन वोल्टेज अगर साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यानी कि कौन पीछे है सोचो कौन पीछे है रेस में वोल्टेज और करंट के रेस में कौन पीछे है करंट पीछे है राइट right? तो वोल्टेज अगर ओमेगा टी पे है तो करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू में है मतलब ओमेगा टी से पीछे है इट इज लाइक लेट से वोल्टेज जो है एक रेस चल रहा है ठीक है रेस में वोल्टेज अगर पोजीशन फोर पे है करंट कहां पे है फोर माइनस समथिंग पे है यानी कि फोर माइनस वन या फोर माइनस टू या फोर माइनस थ्री पे है यानी कि एनी वेज वो फोर से पीछे ही है तो यहां पर क्या हो जाएगा हम क्या कह सकते हैं क्या वोल्टेज और करंट सेम फेज में है नो दे आर आउट ऑफ फेज सबसे पहले तो तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज कितना आउट ऑफ फेज है कितना पीछे है करंट वोल्टेज से बाय पाई बाय टू ये हमारा पहला स्टेटमेंट है कि वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज है बाई पाई बाई टू ओके अब कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है लीड कौन कर रहा है वोल्टेज आगे है पीछे कौन रह गया है करंट तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि करंट लैग्स वोल्टेज बाय पाई बाय टू या फिर उसको आप कह सकते हो कि वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय टू ठीक है बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये लैग और लीड का क्या फंडा है बट आपको समझ में आ गया राइट करंट और वोल्टेज रेस में जा रहे हैं ठीक है तो इंडक्टिव सर्किट के केस में हम क्या देखते हैं इंडक्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होता है ना वो लीड कर रहा होता है रेस को वो जीत रहा होता है क्यों क्योंकि करंट जो है वो पाई बाई टू पीछे होता है वोल्टेज से याद रहेगा ओके okay. तो इंडक्टिव सर्किट का मतलब ही है कि यहां पर करंट जो है ये लैग करता है करेंट पीछे रहता है ठीक ओके अच्छा अब अगर हम इस ग्राफ को देखें अब ग्राफ को देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा फिर से एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो दोनों में साइन ओमेगा टी है यानी कि दोनों का ही साइन ग्राफ बनेगा फर्क क्या होगा कि भाई वोल्टेज का जो ग्राफ है उस ग्राफ से करंट का ग्राफ पाई बाय टू पीछे चलेगा मतलब जैसे मान लो ये ब्लू वाला जो है ये वोल्टेज का ग्राफ है ठीक है तो ब्लू वाला कोई भी पॉइंट जब पार करेगा उसके पाई बाय टू के टाइम के बाद जो है करंट उस वाले पॉइंट पे आएगा फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ जैसे अस सपोज वोल्टेज अपने पीक वैल्यू पे आ गया इस टाइम पे आया ठीक है लेकिन देखो करंट का जो ग्राफ है ना जब रेजिस्टिव सर्किट देखा था तब हमने देखा था सेम टाइम पर ही करंट का भी पीक आ गया था बट यहां पे ऐसा नहीं हुआ देखो करंट का जो पीक है ना ये काफी देर बाद जाके आया यहां पे मतलब वोल्टेज जहां पहले ही पहुंच गया था करंट वहां पे बाद में पहुंचा वोल्टेज जहां पहले ही पहुंच गया था करेंट वहां पर बाद में पहुंचा राइट right? बात समझ में आ रही है वोल्टेज आगे आगे जा रहा है और करंट उसके पीछे पीछे जा रहा है कितना पीछे जा रहा है पाई बाय टू पीछे जा रहा है क्लियर है क्योंकि ये जो देखो ना ये जो एक्स एक्सिस है इसमें हम कौन सी वैल्यूज दिखा रहे हैं ओमेगा टी की वैल्यू दिखा रहे हैं यानी कि पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू टू पाई ये वाली वैल्यूज हम दिखा रहे हैं तो पाई बाय टू ये पीछे चलता जाएगा Clear हो गया सुपर अब अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ चीजें और दिख रही हैं जैसे कि एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज करेंट की वैल्यू है दैट इज जीरो जो एवरेज वोल्टेज की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो जीरो एक कंप्लीट साइकिल में एक कंप्लीट साइकिल समझते हो ना जैसे ये वाला जो साइन कर्व है ना इसका एक कंप्लीट साइकिल इज इतना ठीक है उसके बाद फिर से एक दूसरा साइकिल रिपीट हो रहा है ठीक है तो एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू है करंट का और वोल्टेज का दोनों ही जीरो होता है तो बच्चों अब देखते हैं फेजर डायग्राम क्योंकि ग्राफ तो हमें समझ में आ गया फेजर डायग्राम कैसा होगा ठीक है फेजर डायग्राम के लिए भी हमारे ये रिलेशन काम आने वाले हैं सबसे पहले तो मान लो हमने वोल्टेज का फेजर बनाया तो ये हमारा वोल्टेज का फेजर हो गया ये जो ब्लू वाला लाइन है ठीक है ये वोल्टेज का फेज़र हो गया जो कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी एंगल बना रहा है बिकॉज वी एम साइन ओमेगा टी है और इसके पीक वैल्यू यानी कि इस फेजर का जो लेंथ है इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वी एम ठीक है करंट का जो है हम कैसे बनाएंगे करंट का जो एंगल है दैट इज नॉट ओमेगा टी ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू यानी कि ओमेगा टी जो है ये एंगल है इससे ये पाई बाई टू पीछे रहेगा मतलब वी का जो ये फेजर हमने बनाया है इससे 90 डिग्री बनाते हुए इसके पीछे एक करंट बना दो ठीक है इसीलिए देखो करंट जो है ये इसके पीछे है आगे पीछे कैसे पता चलता है नॉर्मली हम हमेशा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं राइट जब हम एंगल दिखाते हैं तो अगर कोई पीछे है इसका मतलब वो आगे तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसके पीछे कोई है मतलब पीछे की तरफ है कितना पीछे है नाइन्टी डिग्री पीछे है इसीलिए देखो यहाँ पे नाइन्टी डिग्री बना दिया है राइट right? तो इस तरीके से हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे ठीक है तो फेजर डायग्राम साफ साफ क्या बता रहा है कि वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज है कितना से आउट ऑफ फेज है भाई? पाई बाय तो देखो फेजर डायग्राम बनाना आसान लग रहा है अब एक बार अगर ये रिलेशन क्लियर है ना तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो या फेजर डायग्राम हो आप आराम से बना लोगे तो चलो आप निकालते हैं पावर एसोसिएटेड विथ एन इंडक्टर ठीक है तो हमेशा की तरह सबसे पहले निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर तो अब तक में सबको ये पता चल ही गया होगा कि इंस्टेंटेनियस पावर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से चूंकि ये इंडक्टर के लिए है तो एक एल लगा देते हैं आसानी रहेगा है, समझने में कि ये इंस्टेंटेनियस पावर हम किसके लिए निकाल रहे हैं पावर होता क्या है आई इंटू वी ठीक है अभी अभी हमने क्या देखा कि एक इंडक्टिव सर्किट के लिए आई को हम क्या लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हमने ये भी देखा वी को हम क्या लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी ठीक है इसे क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं आई एम वी एम साथ में कर लेते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू बोले तो 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा बट यहाँ पर साइन थीटा माइनस नाइन्टी है राइट right? अब हमें ट्रिग्नोमेट्री से कुछ कुछ बेसिक बातें पता है जैसे कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कितना होता है वो होता है माइनस थीटा ठीक है तो साइन ऑफ ये पूरा चीज जो है इसको अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे मतलब अभी क्या है साइन ऑफ थीटा है है ना इसको अगर मैं माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा लिख दूँ चलेगा बिल्कुल चलेगा तो यहाँ एक माइनस साइन डाल दो और अंदर लिख सकते हो साइन 90 माइनस ओमेगा टी और ये दूसरा वाला जो साइन ओमेगा टी था वो हमने एज इट इज लिख दिया ठीक है अब फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे हमें क्या पता है कॉस थीटा क्या होता है साइन नाइनटी माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा ठीक है तो यहाँ पे साइन नाइनटी माइनस थीटा ही है ये है तो फिर लिखो तो ये हो जाएगा माइनस आई एम वी एम कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी अब यहाँ पे फिर से यूज करेंगे ट्रिगनोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमें पता है साइन टू थीटा ये क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर कॉस थीटा साइन थीटा है तो कॉस थीटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन टू थीटा बाई टू लिख सकते हो तो लिखो तो इसे हम लिख सकते हैं साइन टू ओमेगा टी बाई टू तो फाइनली मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस आई एम वी एम बाई टू साइन टू ओमेगा टी तो ये निकल गया मेरा इंस्टेंटेनियस पावर बट इंस्टेंटेनियस पावर अकेले निकालना काफ़ी नहीं है एवरेज पावर भी निकालना होगा तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर को ही एवरेज आउट करेंगे ठीक है तो एवरेज पावर को कैसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल पी से ऊपर डंडा भी लगाते हैं है ना तो ये एवरेज पावर क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर का हमने जो भी वैल्यू निकाला है उसको डाल देते हैं अंदर माइनस आई एम वी एम डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन टू ओमेगा टी और इसका एवरेज निकालेंगे अब देखो इसमें से जो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर निकाल लेते हैं जैसे कि माइनस आई एम वी एम डिवाइडेड बाई टू इसको बाहर निकाल लिया तो अंदर बचेगा साइन टू ओमेगा टी ठीक है तो साइन टू ओमेगा टी की जो वैल्यू होगी ओवर वन कंप्लीट साइकिल वो कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो तो यानी कि इस वाले चीज़ की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू जीरो अब जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो जीरो ही आएगा तो इसका मतलब है एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो इसी को हमने प्रूव किया कि एक इंडक्टर की अगर हम बात करें तो एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो अब शुरू करेंगे कहानी कैपेसिटिव एसी सर्किट की कैपेसिटिव एसी सर्किट कैसा होगा ऐसा होगा जिसमें एक एसी सोर्स होगा और एक कैपेसिटर होगा और ये एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है जहां पर सिर्फ कैपेसिटर है और कुछ नहीं है ना तो इंडक्टर है ना ही रेजिस्टेंस है ठीक है ओके okay. तो यहां पर भी मान लेते हैं कि जो मेरा एसी सोर्स है उसका वोल्टेज है वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी ठीक है किरचॉफ्स लूप लॉ लगा के जब हम करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो यहाँ पर करंट आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ये निकल के आता है ठीक है अब काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा व्हाट डज दिस मीन ऐसा एक्सप्रेशन से आगे की कहानी क्या होने वाली है ओके okay, एनी वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो ये सोचो कि भाई आई की वैल्यू क्या होगी IM की वैल्यू होगी वी एम डिवाइडेड बाई वन ओमेगा सी यानी कि ये वन ओमेगा सी जो है वो क्या है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जैसे तो पहले हमने रेजिस्टेंस आर की बात की फिर हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सएल की बात की अब हम बात करेंगे XC, जिसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस विच इज ऑफर्ड बाई अ

तो अभी अभी क्या सीखा हमने एक कैपेसिटिव एसी सर्किट में जो वोल्टेज है एसी सोर्स का वो अगर वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है ठीक है तो उस केस में जो करंट होगा करंट का रिलेशन कैसा होगा आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ठीक है अब इन दोनों रिलेशन को अच्छे से स्टडी करना होगा दोनों रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज और करेंट दोनों क्या सेम फेज में है नहीं है सेम फेज में है ना एक पाई बाई टू का फैक्टर है यहां पर यानी कि ये दोनों आउट ऑफ फेज है कितने से आउट ऑफ फेज है पाई बाई टू से बट यहां पर कौन आगे है रेस में और कौन पीछे है देखो तो वोल्टेज अगर ओमेगा टी पे है करंट कितने पे है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मतलब रेस में अगर वोल्टेज फोर्थ पोजीशन पे है तो करंट कितने नंबर पे है फोर प्लस समथिंग पे है यानी कि फोर से पहले है यानी कि करंट जो है यहां पे लीड कर रहा है ठीक समझ में आ गया तो यहां पर हमें क्या क्या बातें पता चली सबसे पहले पता चला कि वोल्टेज एंड करेंट आर आउट ऑफ फेज बाई पाई बाई टू दूसरा हमें पता चला कि करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय पाई बाय टू मतलब करंट यहां पे लीड करता है बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई इंडक्टिव सर्किट में करंट लीड करता है या कैपेसिटिव सर्किट में डाउट आता है तो इसके लिए छोटा सा मेमोरी टिप देखो कैपेसिटिव सर्किट कहाँ पे लिखो यहां लिखती हूँ मैं सी फॉर कैपेसिटिव सर्किट है ना सी फॉर कैपेसिटिव सर्किट और सी फॉर करेंट यानी कि जब कभी भी कैपेसिटिव सर्किट की बात करोगे तो वहां पे करंट लीड करेगा वोल्टेज को तो ऑब्वियसली इंडक्टिव सर्किट की बात करोगे तो वहां पे करंट लैग करेगा सो दैट इज योर मेमोरी टिप तो अब आते हैं हम ग्राफ को ड्रॉ करने पे क्या देख रहे हैं वोल्टेज करंट दोनों क्या है साइन फंक्शन है दोनों का एक एक साइन कर्व बना दो फर्क क्या होगा करंट हर जगह पहले पहुंचेगा करंट ऑलरेडी वहां पहुंच चुका होगा जहां वोल्टेज पाई बाई टू के बाद पहुंचने वाला होगा अब देखो इस ग्राफ को एंड यू यू मस्ट सी कि हाउ इज ग्राफ डिफरेंट फ्रॉम द इंडक्टर वाला ग्राफ ठीक है यहां पर देखो वोल्टेज का जो ग्राफ है ना हमने वही वाला बनाया है वो सेम वोल्टेज को लिया है करंट क्या है ना करंट का ये वाला पीक जैसे वोल्टेज इस पीक पे अभी आया है जब हमने इंडक्टिव सर्किट का ग्राफ देखा था तो वहां पे करंट इस पॉइंट पे वोल्टेज के बाद आ रहा था यहां पर क्या हो रहा है कि करंट ऑलरेडी इस पॉइंट पे पहले ही आ चुका था देखो ऑलरेडी ही ये हाई पे आ चुका था मतलब करंट पहले आ रहा है वोल्टेज देखो डाउन पे यहाँ पे आया बट करंट उससे पहले ही ये डाउन वाले पॉइंट पे आ चुका था तो यानी कि करंट जो है यहाँ पर ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है कि करंट यहाँ पे रेस को लीड कर रहा है यहाँ पर हमें एक चीज और देखने को मिली कि अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल के ऊपर जो एवरेज करंट की वैल्यू है दैट इज जीरो जो एवरेज वोल्टेज की वैल्यू है दैट इज आल्सो जीरो मतलब एक पूरा साइकिल अगर ले लो अगर ये पूरे साइकिल की एक कंप्लीट साइकिल की बात करो तो एवरेज वोल्टेज भी ज़ीरो है एवरेज करंट भी जीरो है तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर कैपेसिटर के केस में भी हम वही सेम लॉजिक फॉलो करेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस पावर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से ठीक है कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सी लिख सकते हैं ठीक है इंस्टेंटेनियस पावर होता क्या है आई इंटू वी अब आई क्या होता है कैपेसिटर केस में आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू वी क्या होता है वी एम साइन ओमेगा टी ठीक है अब देखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू यानी कि साइन नाइन टी प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा यानी कि इसको लिख सकते हैं आई एम कॉस ओमेगा टी वी एम साइन ओमेगा टी इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं वी एम आई एम साइन थीटा कॉस् थीटा इसको क्या लिख सकते हैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस् थीटा राइट तो उस लॉजिक से हम इसे क्या लिख सकते हैं साइन टू थीटा बोले तो टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टू तो ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस पावर एक कैपेसिटर के केस में अब बात करेंगे अब इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज पावर के बारे में एवरेज पावर में क्या करेंगे इस इंस्टेंटेनियस पावर को ही एवरेज ले लेंगे तो एवरेज पावर हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से ये क्या हो जाएगा एवरेज ऑफ जो इंस्टेंटेनियस पावर हमने कैलकुलेट किया है विच इज दिस अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा वी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू एवरेज ऑफ साइन टू ओमेगा टी अब इसकी वैल्यू कितनी होगी एक कंप्लीट साइकिल में साइन टू ओमेगा टी की वैल्यू होती है जीरो विच मीनस ये नेट नेट जीरो हो जाएगा विच मीन दैट द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडक्टर ओवर अ कंप्लीट साइकिल सो नॉट एन इंडक्टर ये क्या है यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं इंडक्टर की बात तो कर ही नहीं रहे यहां पर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की सो द एवरेज पावर सप्लाइड टू अ कैपेसिटर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो चलो अब देखते हैं फेजर डायग्राम कैपेसिटिव सर्किट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया ठीक है रिलेशनशिप क्या था यहां पे? रिलेशनशिप यहां पे था कि अगर वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा प्लस पाई बाई टू होता है ठीक है तो अब ये जो दो रिलेशन है इनके बेसिस पे हमने ये ग्राफ बनाया अब फेजर्स बनाएंगे तो लेटर सपोज कि अगर ये मेरा फेजर वी है ठीक है जिसका देखो एंगल कितना है ओमेगा टी है ठीक है तो आई की दर बनेगा आई अभी रेस में एहेड है मतलब वी से भी पहले आई है देखो इसीलिए आई पहले है कितना पहले है 90 डिग्री पाई बाई टू पहले है हमने ऑलरेडी सीखा ना कि भाई हम पहले और पीछे कैसे बताते हैं हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं राइट तो जो रेस में पहले है वो ज्यादा पहले रहेगा इफ यू गो एंटी क्लॉकवाइज ठीक है तो I ऐसे और V ऐसे है, है। so मुश्किल है क्या बिल्कुल नहीं अगर आपको समझ आए तो तो बचा पार्टी अब आप पहुंचे है ना एल सी आर मतलब एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर एल यानी कि इंडक्टर भी है सी यानी कैपेसिटर भी है आर यानी कि रेजिस्टर भी है और ये सब कुछ सीरीज में कनेक्टेड है दैट्स वाई सीरीज एलसीआर ठीक है और ऑब्वियसली सारे एसी सर्किट्स है तो यहां पर एक एसी सोर्स एनी वेज है ठीक है तो मान लेते हैं एसी सोर्स का जो वोल्टेज है अगर यहां पर हम किरचॉफ का लॉ लगाएं तो हमारा एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन कुछ ऐसा निकल के आएगा अगर हम बात करते हैं रेजिस्टर की तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आई इन आर अगर बात करें इंडक्टर की तो उसके उसकेफ कितना होगा एल डी आई बाई डी टी एज्यूमिंग आई करेंट फ्लो कर रहा है सर्किट के थ्रू अगर बात करें कैपेसिटर की और मान लें कि कैपेसिटर में जो चार्ज है दैट इज क्यू तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जाएगा क्यू बाई सी तो कुल मिला के हम कह सकते हैं आई इन टू आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू दैट मींस द वोल्टेज voltage इज प्रोवाइडेड provided द the AC सोर्स है कि नहीं ऐसा हम कह सकते फाइनली जब हम करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं यहां से तो करंट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है कि I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा मतलब फेज डिफरेंस तो दिख रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में है बट एग्जैक्टली exactly कितना फेज डिफरेंस है दैट वी आर नॉट श्योर दैट इज फाइव तो फाइव की वैल्यू हमें बताएगी कि भाई करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज लीड कर रहा है है ना अब यहां पर जो पूरा सर्किट है यहां पर भी ओवरऑल नेट सर्किट का एक रेजिस्टेंस तो होगा राइट क्योंकि आई एम की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहां पर दैट विल बी इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई एक हम नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं जेड एंड जेड इज कॉल्ड द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इंपिडेंस होता क्या है वही चीज होती है जैसे रेजिस्टिव सर्किट के केस में रेजिस्टेंस था कैपेसिटिव सर्किट के केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस था इंडक्टिव सर्किट के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस था उसी तरह एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस है मतलब जो नेट रेजिस्टेंस है इस सर्किट का तो इंपीडेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में झांक के देखते हैं जैसा कि मैंने बताया एक एलसीआर सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है दैट इज इंपीडेंस डिनोट करते हैं इसे कैपिटल जेड से एंड इसकी वैल्यू होती है कैपिटल जेड इज इक्वल टू √r² xc xl का होल स्क्वायर ऑबवियसली इंपीडेंस की वैल्यू तीन चीजों पे डिपेंड करेगी एक तो रेजिस्टेंस पे एक तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंसेस इस सर्किट का पार्ट है तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही इंपीडेंस बनता है है ना अह एसआई यूनिट ऑब्वियसली ओम्स ही होगा क्योंकि ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है अच्छा इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम देखते हैं कि आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जो इम्पिडेंस है ना वो एक राइट एंगल ट्राएंगल का हाइपोटेन्यूस है जिसका बेस जो है वो रेजिस्टेंस आर है और उसका पर्पेंडिकुलर जो वो एक्सी माइनस एक्सेल है ठीक है अगर आप ये एज्यूम करके चलो कि आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राएंगल है जिसका हाइपोटेन्यू जेड है और उसका बेस और परपेंडिकुलर जो है वो आर और एक्ससी माइनस एक्सएल है रेस्पेक्टिवली

बेसिक से देखेंगे एल सी आर सर्किट है मतलब उसमें इंडक्टर भी है कैपेसिटर भी है रेजिस्टर भी है मान लो अगर अगर जस्ट एज्यूमिंग अगर एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता मान लो कि अगर एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता जिसमें सिर्फ रेजिस्टर होता तो उस केस में हम करंट को कैसे शो करते आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा अगर मान लो एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता तो वहां पर हम करंट को कैसे डिनोट करते आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और मान लो अगर एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो उस केस में मेरा करंट का रिलेशन कैसा होता आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू ठीक है ये तीनों बातें हमने अभी तक ऑलरेडी पढ़ी है ठीक है अब यहाँ पर जो मेरा सर्किट है ये कैसा सर्किट है ये है एल सी आर सर्किट यानी कि इसमें तीनों चीज़ें हैं ठीक है चूंकि यहाँ पर तीनों चीजें हैं तो जब इसके फेज़र डायग्राम को हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज के लिए सिर्फ एक फेज़र नहीं रहेगा राइट क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पर होगा एक इसमें देखो कितने वोल्टेजेस होंगे एक होगा वी आर मतलब रेजिस्टर की वजह से एक होगा वी एल और एक होगा वी सी राइट क्योंकि इस सर्किट में तीनों कॉम्पोनेंट्स हैं समझ रहे हो बात को तो चूंकि इस सर्किट में तीनों कॉम्पोनेंट्स हैं तो ये तीन फेजर्स इन्वॉल्व होंगे ठीक है ओके okay. अब ये तीन फेजर जो इन्वॉल्व होंगे इनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम बेसिक हमको ड्रॉ करना आता है मान लो कि ये मेरा वी आर है मतलब रेजिस्टिव सर्किट वाला एक चीज ध्यान दो देखो रेजिस्टिव सर्किट वाला जो फेजर है और करंट वाला जो फेज़र है ये दोनों सेम लाइन के अक्रॉस है ऐसा क्यों क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट के केस में करंट और वोल्टेज जो है ये सेम फेज में होता है इनफैक्ट हमने बनाया भी था फेजर डायग्राम रेजिस्टिव सर्किट के लिए है ना ठीक है तो वी आर हमने बना लिया अच्छा अब अगर हम बात करें वी एल और वी सी की तो ये क्या होंगे ये पाई बाई टू आउट ऑफ फेज होंगे इसीलिए देखो 90 डिग्री ये 90 डिग्री ठीक है तो 90 डिग्री 90 डिग्री पे हमने Vc और VL भी बना लिया ठीक है तो कुछ इस तरीके से हमारा VR, VL और VC का फेजर बन गया बट मैं इतने सारे अलग अलग V को तो हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास है तो एक ही सर्किट जिसमें इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर तीनों है तो मुझे नेट नेट इस पूरे सर्किट के लिए क्या निकालना होगा वी निकालना होगा मतलब कह लो वी रिजल्टेंट मुझे वी रिजल्टेंट निकालना होगा ठीक है तो ये तीन हमने ड्रॉ कर लिए वी एल वी आर और वी सी बट मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करती हूँ ठीक है कैसे सिंप्लीफाई करती हूँ सबसे पहले मैं नोटिस करती हूँ कि भाई अगर देखा जाए तो वी एल और वी सी ये दोनों क्या है ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है मतलब अलोंग द सेम लाइन है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक आसान सा काम मैं ये कर सकती हूं कि भाई VL को भी ना ऐसे उल्टा करके इधर ही डाल देते हैं चाहू तो डाल सकती हूं राइट तो अगर ये वी एल है इसको अगर मैं उलट के ऐसे डालू तो ये क्या हो जाएगा लेंथ तो इसकी उतनी रहेगी जस्ट दैट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ये माइनस वी एल हो जाएगा है ना तो उस केस में देखो मैंने वही किया एक ही तरफ मैंने दोनों को डाल दिया और यहाँ मैंने लिखा है वी सी प्लस वी एल अब बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो रहे कि प्लस क्यों लिखा प्लस तो नहीं लिखना चाहिए था तो यहाँ पे वी सी प्लस वी एल मैंने इस वेक्टर को लिखा है मतलब दिस वेक्टर तो इज वेक्टर वी सी और वेक्टर वी एल दोनों को कंबाइन कर दिया गया है बट अगर हम इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वी सी एम माइनस वी एल एम इसका मतलब क्या हुआ कोई भी V वोल्टेज को हम कैसे लिखते हैं वी एम साइन ओमेगा टी तो जब वी सी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे वी सी एम साइन ओमेगा टी राइट उसी तरह वी एल की बात करेंगे तो उसका भी एक पीक वैल्यू होगा विच इज वी एल एम क्योंकि जो V होता है वो तो एक वेक्टर होता है उसको हम माइनस और प्लस में वैसे तो जोड़ते नहीं हैं डायरेक्ट राइट है ना तो यहाँ पर हमने क्या किया इधर का जो वी एल था इसको यूं पलट दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ ये वाला वी एल इधर आ गया अब देखो इसीलिए एक चीज़ नोटिस करो इसका जो ओवरऑल लेंथ है ना वेक्टर का जो लेंथ है वो लेंथ देखो छोटा हो गया है पहले देखो वी सी इतना बड़ा था राइट वो छोटा हो गया है छोटा क्यों हुआ है क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो रिड्यूस हो गया है क्योंकि मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो गया है इसीलिए वेक्टर का जो लेंथ है वो छोटा हो गया है ठीक है तो अब मेरे पास ये अब सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया अब मेरे पास एक इधर है वेक्टर वी सी प्लस वी एल और एक मेरा इधर था वेक्टर वी आर तो अब अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकाल लूँ तो मुझे ये V रिजल्टेंट मिल जाएगा ठीक है तो वही मैंने किया देखो ये वी आर और ये वी सी प्लस वी एल का जो रिजल्टेंट है दैट इज दिस वैक्टर ये वेक्टर क्या है वेक्टर v तो इस तरीके से मैं यहां पे ये रिजल्टेंट निकाल सकती हूं लॉजिक समझ में आ गया अब चलो कैलकुलेशन देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है दिस रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर इज v v तो विथ मैग्निट्यूड वी एम मान लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड वी एम है तो इस वी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी वेक्टर एडिशन याद करो हम लोग पढ़ते थे ना पैलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे ऐड करते थे वेक्टर को अगर मान लो ये V है और ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है तो कैसे हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते थे रिजल्टेंट वेक्टर V कैसे निकलता था वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस सो तो वी आर भी नहीं लिखेंगे वी आर एम लिखेंगे मतलब वी आर का भी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज वी आर एम राइट तो वी आर एम प्लस वी सी एम माइनस VLM का होल स्क्वायर ऐसी करते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे निकालते हैं अगर मान लो एक वेक्टर है ए दूसरा वेक्टर है बी ठीक है और दोनों लेटर्स से की राइट right एंगल पे है परपेंडिकुलर टू इच अदर है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हो रिजल्टेंट वेक्टर अगर आर है तो हम कहते हैं आर स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही निकालते हैं हम वेक्टर का वीडियो देखा था ना फिजिक्स में पढ़ाया था मैंने क्लास इलेवेंथ की फिजिक्स में अगर नहीं देखा है तो अभी भी जाके देख सकते हो ठीक है तो चलो एनी ऐसे हम निकालेंगे इसको तो यानी कि जो वी एम की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वो इस पूरे का रूट ओवर हो जाएगा बट उससे पहले वी आर एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं आई इन आर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा आई एम इंटू आर का होल स्क्वायर उसी तरह वी सी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपेसिटर के अक्रॉस ये हो जाएगा IM into XC. XC क्या है कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये हो जाएगा आई एम इंटू एक्स सी माइनस वी एल एम क्या हो जाएगा आई एम इंटू एक्स एल इसका होल स्क्वायर इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं आई एम स्क्वायर प्लस यहां पर भी आई एम को बाहर निकाल सकते हैं तो अंदर बचेगा एक्ससी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर तो यहां से हम कह सकते हैं कि वी एम की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर ये रिलेशन हम लिख सकते हैं तो देखो यहां पर इस ओवरऑल सर्किट के लिए हमें क्या दिख रहा है वी इज इक्वल टू आई इंटू आर वाला फॉर्मेट है वोल्टेज इज इक्वल टू तो करेंट इंटू रेजिस्टेंस वाला फॉर्मेट दिख रहा है यहां पर भी वी एम इज इक्वल टू आई एम इन रेजिस्टेंस यानी कि ये वाला जो पूरा टर्म है दिस टर्म इज नथिंग बट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एल सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है उस सर्किट का उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं इंपीडेंस तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म हमें दिख रहा है पूरा का पूरा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर दिस इज नथिंग बट जेड दैट इज इंपीडेंस ऑफ द सर्किट तो चलो अब देखते हैं फेजर डायग्राम फॉर एल सर्किट तो एक ऐसे सर्किट के लिए हमने अभी अभी देखा कि अगर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है ठीक है तो ऐसे केस में I जो होता है दैट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस phi. इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस तो होता है बट एग्जैक्टली exactly कितना होता है दैट डिपेंड्स किस पे डिपेंड करता है डिपेंड करेगा इंडक्टर कैसा है कैपेसिटर कैसा है उनके रिएक्टेंसेस कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ठीक है तो इसीलिए जब हम इन जनरल इनका ग्राफ या फेजर डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा देखो V का हमेशा यही वाला स्टैंडर्ड होता है हम V का ग्राफ हमेशा यही स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं लेकिन अब आई का जो ग्राफ है ऑब्वियसली इट इज नॉट इन फेज बट ये फाइ पीछे रहेगा या फाइव आगे रहेगा आगे रहेगा कि पीछे रहेगा वो हमें पता नहीं दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ फाइव फाइ की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करेगा ठीक है उसी तरह जब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो देखो वी का तो हमने एज यूजल बनाया है जिसमें ये फाइ टी एंगल बना रहा है करंट का हमने ऐसे बना दिया है कि करंट जो है वी से फाइ आगे है आगे है कि पीछे है अगेन दैट वुड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ फाइव तो भाई इंपिटेंस डायग्राम से हमें z की वैल्यू तो पता चलती ही है विच इज़ रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि tan फाइव की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बाई आर अब सोचने वाली बात यह है कि फाइव की वैल्यू यहाँ पे सिग्निफिकेंट है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि अगर हम एक सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करें वहां पर फाइव की वैल्यू ही हमें यह बताएगी कि वो सर्किट में करंट वोल्टेज के आगे है या फिर करंट वोल्टेज के पीछे है कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है ये कौन बताएगा फाइव की वैल्यू बताएगी तो इट बिकम्स काइंड ऑफ वेरी हम काफ़ी क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि एक सीरीज एल सर्किट में किस सिचुएशन में करंट लीड करेगा और किस सिचुएशन में करंट लैग करेगा ठीक है सो लेट मी टेल यू कि ये डिसाइड करता है एक्सी और एक्स की वैल्यूज क्यों क्योंकि देखो फाइव की जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रही है एक्ससी माइनस एक्स पे तो अगर XC की वैल्यू ज्यादा हुई यानी कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा हुई तो उसके इसमें क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डोमिनेंस है वो बोलेगा कि भाई आई एम द बॉस अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बॉस है इसका मतलब वो जो सर्किट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा राइट मतलब जब बॉस एक्सी है जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बॉस है तो सर्किट का बिहेवियर कैपेसिटिव सर्किट की तरह ही होगा कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है सी फॉर कैपेसिटिव सर्किट सी फॉर करेंट करेंट लीड करता है तो ऐसे केस में जब Xc की वैल्यू ज्यादा हो एक्सएल से उस केस में करंट लीड करेगा वोल्टेज को दूसरी तरफ जब Xc की वैल्यू कम हो Excel से तो क्या होगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द बॉस तो मेरा सर्किट किसकी तरह बिहेव करेगा इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा? करेगा और इस केस में करंट जो है वो लैग करेगा यानी कि वोल्टेज लीड्स करेंट तो बच्चों जब हम सीरीज एल सर्किट की बात कर रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि इक्वेशन फॉर सीरीज एल सी आर सर्किट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेटर इसका इक्वेशन और फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेटर का इक्वेशन एक जैसा होता है कौन सा इक्वेशन कहाँ से आता है ये इक्वेशन चलो देखें तो लेट अस सपोज ये हमारा एल सी आर सर्किट है और हम सबसे पहले लिखेंगे इसका वोल्टेज इक्वेशन ठीक है तो लेट अस सपोज कि हम इस सर्किट का लिख रहे हैं वोल्टेज Equation. तो अगर इसका वोल्टेज इक्वेशन हम लिखें तो भाई हमें यहां दिख रहा है कि इसका जो ये एसी वोल्टेज सोर्स है दैट दैट वोल्टेज सोर्स इज इज एंड इक्वल टू ठीक है अब दिस ये जो V है इस पूरे सर्किट में ये V क्या क्या चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होके जा रहा है ये V जो है ये R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में है यानी कि I इंटू आर कैपेसिटर के अक्रॉस की बात करें तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा क्यू बाई सी चार्ज बाई कैपेसिटेंस अगर बात करें इंडक्टर की तो इंडक्टर के अक्रॉस जो ई एम एफ या इंड्यूस्ड ई एम एफ होता है वॉट इज दैट एल डी आई बाई डी टी तो ये हो जाएगा वोल्टेज का इक्वेशन ठीक है अब हम सभी को ये पता है कि I क्या होता है करेंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम इज करेंट ठीक है तो इस इक्वेशन में हम इसको रिप्लेस करेंगे ठीक है तो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं डी आई बाई डी टी पहले रखते हैं क्यों ऐसा अरेंज कर रहे हैं ताकि ना हमें सिमिलैरिटी ज्यादा आसानी से दिखे ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर ठीक है उसके बाद क्यू बाई सी लिखते हैं या फिर उसके बाद आई इंटू आर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आर डी क्यू बाई डीटी और उसके बाद लिखते हैं Q बाई सी दिस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेटर के एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें तब तो पता लगेगा कि भाई जो यहां कहा गया है वो सही है या नहीं तो फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में हम क्या लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्र प्लस सी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी अब इन दोनों को मैच करो क्या ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं देखो यहां पे जो x है उसी उसी के जगह यहां पर q है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क् डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्र डी एक्स बाई डी टी डी क्यू बाई डी टी एक्स के एक्स यहां पे वन बाई सी इंटू क्यू इधर वी एम साइन t इधर एफ साइन ओमेगा तो हमें दिख रहा है ना दोनों के बीच में रिजेंबलेंस इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सीरीज एल सी आर सर्किट का जो इक्वेशन होता है वो फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेटर की इक्वेशन को रिजेंबल करता है तो बच्चा पार्टी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस सबसे पहला सवाल रेजोनेंस होता क्या है रेजोनेंस होता है किसी भी सिस्टम क्या टेंडेंसी टू ऑसीलेट एट अ हाइयर एम्पलीट्यूड एट सर्टन फ्रीक्वेंसीज कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी पर जो सिस्टम है वो ज़्यादा एम्प्लीट्यूड के साथ ऑसीलेट करता है उसे हम कहते हैं इस पूरे फिनमिननल को हम कहते हैं रेजोनेंस अब आप सोच रहे होगी कि अचानक से ये रेजोनेंस कैसे आटप का तो समझ में आएगा सबसे पहले ये देखते हैं एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जो ऑसिलेट करता है और ऑसीलेशन के नाम पर जो एग्जाम्पल दिमाग में तुरंत आता है दैट इज़ अ पेंडुलम जैसे देखो पेंडुलम के साथ क्या होता है ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ देखो ऑसिलेट कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सिस्टम किसी किसी फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ मतलब और भी ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब देखो कैसे यू यूं यू यूं यू जा रहा है जब तो उसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा है तो जिन फ्रीक्वेंसीज पर उनका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ठीक है इसको और आसान तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं झूला का चिल्ड्रंस प्ले एरिया में देखा होगा स्विंग झूला जिसपे बच्चे झूलते हैं मजे लेते हैं इनफैक्ट बड़े भी झूलते हैं है ना आप नोटिस करोगे कि अगर एक बच्चा एक झूले पे बैठ जाए बस और वो कुछ ना करे ऐसे बस बैठ जाए तो क्या होगा वो झूला धीरे धीरे करके रुक जाएगा ठीक है लेकिन मान लो एक बच्चा झूले पे बैठा हुआ है और वो एट रेगुलर इंटरवल्स वो क्या कर रहा है वो झूले की जो स्ट्रिंग है ना उसको वो पुल किए जा रहा है खींचे जा रहा है उससे क्या होगा उसका जो मूवमेंट है ना वो कंटिन्यूड रहेगा अगर जिस फ्रीक्वेंसी के साथ झूला आगे पीछे हो रहा है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वो उस स्ट्रिंग को पुल करता रहेगा तो उस केस में क्या होगा हम नोटिस करेंगे कि उस केस में उसका झूलने का जो एम्पलीट्यूड है ना वो और बढ़ जाएगा एंड दिस एग्जैक्टली एक्सप्लेन्स वॉट रेजोनेंस इज अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि भाई हम अचानक से ये रेजोनेंस डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं क्या कुछ काम आने वाला है यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में एसी सर्किट के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्योंकि ये जो सीरीज एलसीआर सर्किट है ना अपना इसका वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है रेजोनेंस तो एल सर्किट में रेजोनेंस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम उस समय एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है मैथमेटिकली इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई एम्पलीट्यूड मैथमेटिकली कितना होता है सो अगर हम करंट के एम्पलीट्यूड की बात करें That is IM, right? मतलब करंट का जो पीक वैल्यू है वही करंट का एम्पलीट्यूड है सो आई एम होता क्या है एक एल सी आर सर्किट में वी एम डिवाइडेड बाई जेड जहां पे जेड क्या है इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट ठीक है इसको अगर मैं फर्दर ब्रेक डाउन करूं तो मैं लिख सकती हूँ वी एम डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्कवायर प्लस एक्ससी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायेर यही इम्पीडेंस होता है होता है बिल्कुल होता है अब मैं कह रही हूं कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए अब इसमें सिंपल मैथ्स लगाना है इसको मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा ये न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर में मतलब अगर मैं चाहती हूं कि आई एम हो तो जो डिनोमिनेटर में जो इंपीडेंस है इसको मिनिमम होना पड़ेगा जब इंपीडेंस मिनिमम होगा ऐसे सोचो जब रेजिस्टेंस कम होता है तभी तो करंट ज्यादा होता है है ना तो अगर करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए तो इसका जो वैल्यू है इसका जो ओवरऑल वैल्यू है ये ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए ये मिनिमम होना चाहिए जब हमें ये मैक्सिमम चाहिए करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने के लिए इंपीडेंस का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए अब सोचना ये है कि इंपीडेंस का वैल्यू मिनिमम कब होगा कब होगा इंपीडेंस में देखो तीन लोग इन्वॉल्वड है r Xc और XL ये तीन लोग इन्वॉल्व है ठीक है अब इंपिडेंस की जो वैल्यू है आर स्क्वायर के साथ हम किसी चीज को जोड़ते हैं ठीक अब इसकी वैल्यू मिनिमम होने के लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ये पूरा टर्म जीरो हो जाए तो कम से कम भाई दो लोग तो गायब हुए है ना तो मेरा रेजिस्टेंस जो है इंपिडेंस जो है वो मिनिमम हो जाएगा बात समझ में आई ओके okay. तो यानी कि इसको मिनिमम होने के लिए फॉर जेड टू बी मिनिमम इंपिडेंस को मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए एक्सी और एक्सएल की वैल्यू बराबर होनी चाहिए क्योंकि जब एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा ठीक है अच्छा अब मुझे क्या पता है एक्सी क्या होता है वन बाई ओमेगा सी एक्सएल क्या होता है ओमेगा इन एल ठीक है ऐसा कब होगा ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन कब होगा एट रेजोनेंस रेजोनेंस पे ऐसा होगा ठीक है तो मान लेते हैं कि एट रेजोनेंस ये जो ओमेगा की वैल्यू है इसको हम ओमेगा नॉट कह रहे हैं ठीक है थीके? तो यहां से मैं क्या कह सकती हूं कि ओमेगा नॉट एल इंटू ओमेगा नॉट सी इज इक्वल टू वन यानी कि मैं लिख सकती हूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई एल सी यानी कि ओमेगा नॉट जो है दैट इज इक्वल टू वन बाई रूट ओवर एलसी तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये किसका वैल्यू हो जाएगा ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा ठीक है तो यानी कि रेजोनेंस पे ओमेगा नॉट की वैल्यू वन बाई रूट ओवर एल सी होगी और ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी आई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी एम डिवाइडेड बाई आर क्योंकि जो नेट इम्पीडेंस है वो इंपीडेंस कितना हो जाएगा आर हो जाएगा क्योंकि देखो ना ये एक्सी एक्सएल ये पूरा टर्म तो जीरो हो जाएगा राइट right? तो रूट ओवर आर स्क्वायर मतलब आर तो वी एम बाई आर जो है ये मेरा करंट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा ठीक है ओके okay. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रेजोनेंस का पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमें दिखेगा तभी रेजोनेंस हमको तभी दिखेगा जब इस सर्किट में एल और सी दोनों ही प्रेजेंट हो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों का होना जरूरी है क्योंकि जब एल और सी दोनों होंगे तभी तो रेजोनेंस होगा क्योंकि रेजोनेंस होने का क्राइटेरिया ही यही है कि एक्स और एक्सएल की वैल्यू बराबर होनी चाहिए एक्स और एक्सएल तभी एग्जिस्ट करेंगे जब सर्किट में एल और सी दोनों होंगे तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक रेजिस्टर और इंडक्टर का सर्किट है यानी कि आर एल सर्किट है या फिर आर सी सर्किट है या फिर सिर्फ आर वाला सर्किट है तो ऐसे सर्किट्स में हमें रेजोनेंस देखने को नहीं मिलता है तो बच्चों रेजोनेंस का एक बहुत ही मस्त एप्लीकेशन होता है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सर्किट रेडियो में गाने तो सुने होंगे कभी ना कभी या फिर हो सकता है अभी भी सुनते हो राइट अलग अलग स्टेशन से आपको अलग अलग गाने सुनने को मिलते हैं हिंदी गाने सुनने का मन है तो भाई यहाँ घुमाओ नए वाले हिंदी गाने सुनने हैं तो कोई दूसरे स्टेशन पे घुमाओ अगर इंग्लिश गाने सुनने हैं तो कहीं और तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे अलग अलग स्टेशन होते हैं जहाँ से आप अलग, अलग अलग गाने सुन सकते हो या अलग अलग आपको प्रोग्राम सुनने को मिलता है राइट right? बट इनको अलग अलग जगह ले जाने के लिए कि भाई 95.3 नहीं सुनना है 98.3 पे जाना है या 104.3 पे जाना है कहीं भी जाने के लिए आप क्या करते हो आप उसके नॉब को घुमाते हो राइट right? जब जब आप नॉब को घुमाते हो तो होता कुछ यूं है कि अंदर जो उसका सर्किट बना हुआ होता है उस सर्किट का कैपेसिटर का वैल्यू चेंज होते रहता है जैसे जैसे आप नॉब घुमाते हो अंदर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज होते रहती है यानी कि सी की वैल्यू चेंज हो रही होती है और जिस पॉइंट पर जब सी की वैल्यू ऐसी हो जाती है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है दैट बिकम्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल फ्रॉम दैट चैनल राइट right? तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है रेजोनेंस होता है उस समय करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और जिस वजह से आपको उस वाले पर्टिकुलर स्टेशन का जो भी म्यूजिक होता है वो बिल्कुल क्लियरली सुनाई देता है इसीलिए आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप रेडियो के उस नॉब को ट्यून कर रहे होते हो जब घुमा रहे होते हो ना एक अच्छे एक बार आपको क्लियर आवाज आता है एक स्टेशन का फिर जैसे ही घुमा देते हो तो वो आवाज पूरा ब्लर हो जाता है मतलब यू डोंट गेट टू हियर एनीथिंग फिर धीरे धीरे जैसे ही आप दूसरे स्टेशन के करीब आते हो तो थोड़ा 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 थो 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 आवाज़ आता है एंड देन एग्जैक्टली वेन दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैचेस द फ्रीक्वेंसी फॉर दैट चैनल तो आपको फिर से आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है तो देखो इस तरह से ट्यूनिंग रेडियो ट्यूनिंग के टाइम पर रेजोनेंस प्ले इज़ अ क्रिटिकल रोल जहां बात की हमने रेजोनेंस की वहीं हमें बात करनी पड़ती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ग्राफिकली देखें तो हम क्या नोटिस करते हैं कि रेजोनेंस जिस वैल्यू पर होती है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक नॉर्मल सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करें तो ऐसे सर्किट में जो करंट का एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ आई एम इज़ इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस इम्पीडेंस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर ठीक है यही होता है हमारा करंट एम्पलीट्यूड अब रेजोनेंस में करंट का एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम होता है करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है कब मैक्सिमम होता है जब ओमेगा एल और वन बाई ओमेगा सी की वैल्यू बराबर हो जाती है राइट right? तो जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती है तो नीचे जो इंपिडेंस है दैट बिकम्स इक्वल टू द रेजिस्टेंस यानी कि जिस समय पर हमारा करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है तब आई एम इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई आर ये हो जाता है अब जब इसे हम ग्राफिकली देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो वैल्यू होती है ओमेगा नॉट की राइट right? मतलब ओमेगा नॉट क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट हमने कैसे निकाला था बाय इक्वेटिंग ओमेगा एल एंड वन बाय ओमेगा सी ठीक है ना तो ओमेगा नॉट की जो ये वैल्यू होती है इस पॉइंट पर देखो करंट जो है एक पीक पे होता है बिल्कुल एक शार्प पीक होता है और इस ओमेगा नॉट के दोनों तरफ देखो करंट की वैल्यूज करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज करने लगती है तो इसी को हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कि हमारा जो रेजोनेंस का जो ग्राफ है ना दिट इज वेरी शार्प बिकॉज इट हैज अ शार्प पीक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इसीलिए हमने बोला था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जिस टाइम पर जिस पॉइंट पर रेजोनेंस होता है वहां पर करंट का एम्पलीट्यूड पीक पे होता है करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो चलो मैथमेटिकली देखते हैं एट शार्पनेस ऑफ़ रेजोनेंस रेजोनेंस तो अगर हम के ग्राफ को देखें बहुत ध्यान से देखो एक शार्प पीक हमें दिखता है यहां पे राइट देखो ये वैल्यू जो है ऐसे, ऐसे 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 जाते हुए एक शार्प पीक आता है उसके बाद फिर से ये ड्रॉप करने लगता है राइट right? और ये जो पीक हमें दिखता है करंट का एम्पलीट्यूड का जो ये पीक वैल्यू होता है ये इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे होता है दिस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज व्हाट दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस रेजोनेंस पे ये वाला फ्रीक्वेंसी होता है और दिस इस, इसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं तो अगर बहुत अच्छे से स्टडी करो तो इस फ्रीक्वेंसी के बगल में के दोनों तरफ एक तरफ मान लो एक ओमेगा वन वैल्यू है दूसरे तरफ लेटर सपोज एक ओमेगा टू वैल्यू है ठीक है तो ये ओमेगा वन पे जो करेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी वो कम होगी जितनी ओमेगा नॉट पे थी उससे ओमेगा टू पे जो वैल्यू होगी वो भी कम होगी जितनी ओमेगा नॉट पे थी उससे है ना तो अगर ये जो ओमेगा वन और ओमेगा टू का डिफरेंस अगर हम देखें सो दैट विल बी इक्वल टू टू डेल्टा ओमेगा व्हाट इज दैट एज्यूमिंग अस से ओमेगा वन यहां पे है और ओमेगा वन और ओमेगा के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा ओमेगा उसी तरह लेटर से ओमेगा टू इस तरफ है एंड दिस डिफरेंस अगेन इज डेल्टा ओमेगा तो फिर ओमेगा वन और ओमेगा टू के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज टू डेल्टा ओमेगा और इसे हम कहते हैं बैंडविट इसे हम डिफाइन करते हैं एज बैंडविथ ऑफ द सर्किट

इनफैक्ट ये जो टर्म है ओमेगा नॉट एल बाई आर इसको हम क्वालिटी फैक्टर भी कहते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ द सर्किट जिसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं तो इस रिलेशनशिप से हम क्या देखते हैं लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू क्यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा आर का वैल्यू उतना छोटा होगा स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर क्योंकि देखो क्यू जो है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्यू अगर ज्यादा है तो आर क्या होगा छोटा होगा अगर आर छोटा होगा तो क्या होगा देखो अगर आर छोटा है तो डेल्टा ओमेगा भी छोटा होगा तो अगर स्मॉलर आर होगा तो स्मॉलर क्या होगा बैंडविट होगा और अगर स्मॉलर बैंडविथ होगा तो रेजोनेंस का जो शार्पनेस है वो ज्यादा होगा क्योंकि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओमेगा राइट तो इसका मतलब शार्पर सो so, कुल cool मिला के रेजोनेंस ज़्यादा शार्प तब होगा जब बैंडविथ कम होगा बैंडविथ कब कम होगा जब रेजिस्टेंस कम होगा रेजिस्टेंस कब कम होगा जब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो चलो ट्राई करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर वन जो कि कह रहा है द पीक वैल्यू द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 हंड्रेड वोल्ट वॉट इज द आरएमएस वोल्टेज ठीक है तो यहां पे दिया हुआ क्या है पीक वोल्टेज दिया हुआ है बीच में एक रिलेशनशिप निकाला था विच वॉज वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई रूट ओवर टू तो यानी कि यह हो जाएगा थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई रूट ओवर टू वोल्ट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा टू हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट वन वोल्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि द द वैल्यू ऑफ करंट करंट इन एन सर्किट इज इज पीक मतलब यहां पर सेकेंड पार्ट में जो आई आर एम एस है वो दिया हुआ है एज टेन एम्पियर और हमें पीक करंट यानी कि आई एम की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर भी हम कह सकते हैं कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाई रूट ओवर टू तो तो इसको हम लिख सकते हैं ये रहा हमारा अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर टू फैरड कैपेसिटर टू 220 वोल्ट 50 हर्ट सोर्स जो जो चीजें दी हुई है उनको नोट डाउन करते चलेंगे तो आसान रहेगा क्या क्या दिया हुआ है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है विच इज 15 माइक्रो फैरड तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स फैरड्स और क्या दिया हुआ है कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स अब ये जो 220 वोल्ट है ये कौन सा वाला वोल्टेज होता है बताओ वी आर एम एस होता है राइट सो दिस इज टू ट्वेंटी वोल्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है फिफ्टी हर्ट्स फ्रीक्वेंसी इज एफ ठीक है इस f का तो कुछ काम होता नहीं है हमारे ac के कैलकुलेशंस में तो इससे हम ओमेगा निकालेंगे विच विल बी इक्वल टू टू पाई इंटू एफ सो दैट इज इक्वल टू टू पाई इंटू फिफ्टी सो दैट इज हंड्रेड पाई रेडियन पर सेकेंड ठीक है तो हमने ऐसे करके ओमेगा निकाल लिया फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस अब देखो क्या क्या निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है करेंट पीक इन द सर्किट आई आर एम एस की वैल्यू निकालनी है आई पीक की वैल्यू निकालनी है यानी कि आई एम की, की वैल्यू निकालनी है ठीक है ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ठीक है चलो एक एक करके सारे निकालेंगे तो शुरुआत कहां से करें शुरुआत करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस से कैपेसिटिव रिएक्टेंस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है वन बाई ओमेगा सी ओमेगा मैंने निकाल लिया है सी दिया हुआ था तो चलो निकाल लो वन डिवाइडेड बाई हंड्रेड बाई इनटू सी दैट इज फिफ्टीन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स सो दिस कम्स आउट टू बी टू हंड्रेड ट्वेल्व ओम्स सो दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक तो हो गया दूसरा निकालना है आई आर एम एस आई आर एम एस क्या होगा वी आर एम एस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस अब यहां किस तरह का सर्किट की बात हो रही है यहां पर कैपैसिटिव सर्किट की बात हो रही है तो वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्सी वी आर एम एस की वैल्यू दी हुई है यहां पर बिल्कुल दी हुई है विच इज टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एक्सी की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट की है विच इज टू हंड्रेड ट्वेल्व सो दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो फोर एम्पियर तो यह भी निकल गया विच इज आई आर एम एस अब निकालना है आई एम यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करेंट पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा आई आर एम एस और आई एम के बीच में रिलेशन पता ही है सो आई पीक विल बी इक्वल टू रूट ओवर टू इन टू आई आर एम एस दू वन पॉइंट जीरो फोर इन टू रूट ओवर टू सो दिस इज इक्वल टू वन पॉइंट फोर सेवन एम्पियर ठीक है तो ये तीनों पार्ट हो गए कैपेसिटिव रिएक्टेंस आई आर एम एस आई पीक क्लियर ग्रेट अब देखो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड वॉट हैपन्स टू द कैपैसिटिव रिएक्टेंस एंड करेंट अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को ही डबल कर दिया तो फिर कैपैसिटिव रिएक्टेंस और करेंट के साथ क्या होगा चलो देखते हैं अब देखो साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि जो कैपैसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है राइट तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो कैपैसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है और अगर हम करेंट की बात करें तो करंट के साथ क्या हो रहा है करंट को अगर देखो तो करंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है राइट यानी कि करंट जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट इज फ्रीक्वेंटली के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो क्या होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा और करंट जो है वो भी डबल हो जाएगा इसको अगर आप चाहो तो करके देख सकते हो कि भाई एक्स डैश जो है वो क्या हो जाएगा वन बाई ओमेगा c डैश ओमेगा डैश तो वो ओमेगा जो है वो टू पाई न्यू डैश है तो वो न्यू डबल हो गया मतलब जो सिंपल मैथमेटिक्स है वैसे करके देख लो बट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो एक्ससी है ना ये एक्ससी ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ओमेगा और म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तो मतलब एक्सी और फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है क्लियर हो गया आगे बढ़ेंगे तो चलो बच्चों अब इन जनरल देखते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट पावर इन एन ए सी सर्किट मतलब यहां पर मैं एक इंडक्टर या कैपेसिटर या रजिस्टर की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रही हूँ ठीक है तो इन जनरल हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमें पता है कि अगर V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है तो उस केस में I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है यहां पर आई एम की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाई जेड जहां पर जेड जो है ओवरऑल इस सर्किट का नेट इम्पीडेंस होता है बात अगर फाइव की करें तो टेन फाइव इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर होता है तो ये हमें पता चल गया था फ्रॉम द इम्पीडेंस डायग्राम तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ठीक है अब हम कैलकुलेट करते हैं पावर पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर जिसे हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू आई इनटू वी विच विल बी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू वी एम साइन ओमेगा टी तो इसे हम लिख सकते हैं वी एम आई एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी तो अगर इस वाले पोर्शन पे फोकस करें तो इट इज लाइक साइन ए इंटू साइन बी तो यहां पर हमें हेल्प लेना पड़ेगा किसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हेल्प लेंगे साइन ए साइन बी इज इक्वल टू हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ठीक है तो अगर हम इसका हेल्प लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ए की जगह क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव और बी की जगह क्या है ओमेगा टी तो यहाँ पर अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इन टू कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी तो ये हो जाएगा फाइव कॉस फाइव माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि टू ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है तो ये वाली वैल्यू हम यहां डाल देते हैं तो ये हो जाएगा वी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू क्योंकि वो वन बाई टू है ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू ओके okay. अब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पावर की वैल्यू एवरेज पावर को हमेशा की तरह कैपिटल पी से डिनोट करेंगे और इस पूरे क्वांटिटी का एवरेज ले लेंगे तो जब इसका एवरेज हम लेंगे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर कर देते हैं वी एम आई एम बाई टू कॉस फाइव ये एक कांस्टेंट टर्म है पूरा को बाहर कर दिया ठीक है उसके बाद जो दूसरा टर्म है दैट इज वी एम आई एम बाई टू और एवरेज हम लेंगे इसका कॉस टू ओमेगा टी अब अगर इस टर्म का एवरेज हम देखें ओवर वन कंप्लीट साइकिल दैट इज जीरो 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 कि ये जो पूरा टर्म है दिस एंटायर थिंग बिकम्स क्योंकि zero के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा सो दैट गिव्स अस पावर इज इक्वल टू वी एम आई एम कॉस फाइव डिवाइडेड बाई टू अब इसको हम थोड़ा सा और दूसरे स्टाइल से भी लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वी एम टू को हम क्या लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू तो वी एम बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव हमें पता है वी एम बाई रूट टू क्या होता है वी आर एम एस तो इसे हम लिख सकते हैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव ठीक है तो ये हमारा एक और तरीका है पावर को लिखने का या फिर पावर को अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर जेड इंटू कॉस फाइव अगर हम सिर्फ i और रेजिस्टेंस विच इज z इन दिस केस उनके टर्म्स में लिखना चाहें तो अब हम लिखेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर जेड कॉस फाइव पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर जेड कॉस फाइव तो ये कुछ एक्सप्रेशन हैं टू कैलकुलेट पावर इन एन ए सी सर्किट अब चाहे आपका सर्किट कैसा भी हो रेजिस्टिव हो इंडक्टिव हो कैपेसिटिव हो दिस इज लाइक अ जनरल एक्सप्रेशन जहां पर आप फाइव की वैल्यू डालो करेंट वोल्टेज जो भी आपके पास दिया हुआ है उनकी वैल्यूज डालो और उस एसी सर्किट के लिए पावर की वैल्यू कैलकुलेट करो तो बचा पार्टी पावर तो हमने निकाल लिया अब देखते हैं कि अलग अलग सर्किट में कैसे हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं है ना तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेजिस्टिव सर्किट की

तो यहाँ पर पावर हो जाएगा I square R तो इस वाले सर्किट पे हम क्या देखते हैं मैक्सिमम पावर अब बात करेंगे इंडक्टिव सर्किट की इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है V is equal to Vm sine omega t तो I is equal to Im sine omega t minus pi by two यानि कि इंडक्टिव सर्किट के केस में जो फेज डिफरेंस होता है phi दैट इज इक्वल टू pi by two अब cos pi by two क्या होता है zero which means कि पावर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ज़ीरो होती है तो यानी कि इंडक्टिव और इंडक्टिव सर्किट्स के केस में पावर डिसिपेटेड इज ज़ीरो नो पावर इज़ डिसिपेटेड और इस तरह के करंट को हम अक्सर ही कहते हैं वॉट लेस करंट कहानी कुछ बिल्कुल सेम होती है इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट के केस में भी करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है दैट दैट इज पाई जस्ट कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है और इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है उतना फर्क होता है ठीक है तो यानी कि कैपेसिटिव सर्किट के केस में भी फाइव की वैल्यू पाई बाई टू होती है जिसकी वजह से कॉज पाई बाई टू जीरो होता है और पावर भी जीरो होता है तो कैपेसिटिव सर्किट के केस में भी जीरो पावर इज डिसिपेटेड अब बात करिए करेंगे एल सर्किट की जिसमें रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर तीनों हो ऐसे सर्किट में फाइव की वैल्यू कितनी होती है जैसा कि हमें पता है टेन फाइव क्या होता है एक्स सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर इसका मतलब हुआ कि फाइव की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर राइट right? ये फाइव की वैल्यू होती है तो इसीलिए यहां पर जो पावर डिसिपेटेड होगा वो ना तो जीरो होता है और ना ही मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड सो समथिंग इन बिटवीन दैट ठीक है तो इस फाइव की वैल्यू के साथ हम पावर डिसिपेटेड यहां निकालते हैं विच इज इक्वल टू यहां पे पावर डिसिपेटेड होगा आई स्क्ड इन कॉस फाइव ओके अब बात करते हैं एट रेजोनेंस इन एल जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं एल में भी जब रेजोनेंस की बात होती है तो वहां पे क्या हो जाता है रेजोनेंस की जैसे ही हम बात करते हैं तो एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाते हैं तो एक्सी और एक्सएल वाले टर्म्स क्या होते हैं गायब हो जाते हैं तो बच क्या जाता है सिर्फ रेजिस्टर तो मतलब रेजोनेंस पे मेरा एल एक रेजिस्टिव सर्किट टाइप का बिहेव करने लगता है इस केस में चूंकि एक्सी और एक्सएल बराबर हो जाता है इस वजह से फाइव की वैल्यू क्या हो जाती है जीरो हो जाती है है ना तो इसीलिए यहां पर जो पावर की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू आई दैट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड तो बच्चों अब डिस्कस करने वाले हैं हम अगला टॉपिक जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस नाम से क्या क्या गेस कर पा रहे हो कि व्हाट कुड इट बी एल सी मतलब हम एक ऐसे सर्किट की बात करने वाले हैं जहाँ पर एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है और हम कुछ कह रहे हैं कि इस सर्किट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो ऑसिलेट कर रही है इनफैक्ट हम इसी की बात करेंगे और वो जो कोई ऐसी चीज़ है वो चीज़ और कोई नहीं बल्कि एनर्जी है जब कभी भी हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक कैपेसिटर होता है और एक इंडक्टर होता है तो हम देखते हैं कि उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में ऑसिलेट करती रहती है मतलब एक बार कैपेसिटर की एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम पे रहती है तो इंडक्टर की कम रहती है फिर जैसे 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 जैसे, जैसे, जैसे एनर्जी इंडक्टर की बढ़ती रहती है वैसे 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 वैसे, 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 वैसे कैपेसिटर की एनर्जी कम होती रहती है फिर एक पॉइंट आता है जब इंडक्टर की एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और कैपेसिटर की मिनिमम हो जाती है फिर वापस से वही साइकिल चालू होता है कि धीरे धीरे धीरे

ये जो कैपेसिटर का चार्ज क्यों था ये धीरे धीरे कम होने लगेगा क्यों क्योंकि यही चार्ज के फ्लो से तो करंट का फ्लो हो रहा है सर्किट में राइट यही चार्ज जो है सर्किट में फ्लो करने वाले करंट को बना रहा है तो जैसे जैसे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो आपके कैपेसिटर का चार्ज कम होता जा रहा है यानी कि कैपेसिटर की एनर्जी कम होती जा रही है लेकिन चूंकि सर्किट में जो है करंट फ्लो कर रहा है चेंज इन करंट हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा इंडक्टर में इंड्यूस्ड ई एम हो रहा है विच इज गिवन बाय एल डी आई बाई डी टी है पढ़ा था ना हमने ई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो इसका मतलब क्या हो रहा है धीरे 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 कैपेसिटर का कम हो रहा है एनर्जी लेकिन इंडक्टर का बढ़ रहा है एंड इनफैक्ट दिस इज हाउ एल सी ऑसुलेशन टेक प्लेस तो चलो इसे मैथमेटिकली देखें तो अब देखना है हमें एलसी ऑसिलेशन को मैथमेटिकली तो मैथमेटिकली हम ये देखेंगे कि हम एक ऐसे एक्सप्रेशन पे आ पहुंचते हैं विच इज वेरी सिमिलर टू द एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर सिंपल हारमोनिक ऑसिलेटर क्या करता है ऑसिलेट करता है राइट right? तो यानी कि ये जो सिस्टम है जहां पर हम कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में ऑसिलेट करता है दिस ऑल्सो बिहेव्स लाइक ऑसिलेटर है ना तो चलो देखते हैं मैथमेटिकली इसको ओके okay. तो लेटर सपोज एक यहां पर मेरा सबसे पहले तो इस एक सर्किट का हम वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं तो अगर बात करें हम इस कैपेसिटर की तो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा क्यू बाई सी अगर बात करें हम इस इंडक्टर की तो इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी एंड इस वोल्ट इस पूरे सर्किट के अक्रॉस डू वी हैव अ वोल्टेज सोर्स विद हैव वन यानी कि इसका हो जाएगा दिस विल भी इक्वल टू जीरो ठीक है अब हम सभी को ये पता है कि करेंट को हम क्या लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं बिकॉज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज करेंट तो विथ दैट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं क्यू बाई सी माइनस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इनफैक्ट इसको हम लिख सकते हैं एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायेर माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को एल से हम डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन अभी अभी मैंने बोला था कि इसका जो एक्सप्रेशन होता है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एक्सप्रेशन के सिमिलर होता है तो अब चलो सबसे पहले तो देखते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन कैसा होता है तो बच्चों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो राइट अब दोनों को मैच करो एक्स की जगह क्यू है डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्स यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्या है ठीक है तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें या मैच करने की कोशिश करें तो ओमेगा नॉट की जगह यहां पे क्या वैल्यू है one by LC. तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हुए हम देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी या फिर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वन बाई रूट ओवर एलसी अब बहुत से बच्चों को ये घबराहट हो रही होगी कि मैम यहाँ पर एक माइनस साइन था उसको हमने कंसिडर नहीं किया तो माइनस साइन कंसिडर बच्चों इसलिए नहीं किया देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया क्योंकि इसमें जो ई इंड्यूस हो रहा था इंड्यूस ई में हो रहा था ना दैट इज इक्वल टू माइनस एल होता है इसीलिए माइनस लिया था जहाँ पर ये करंट की बात कर रहे हो ना तो यहाँ भी आप एक आइडियली माइनस साइन कंसिडर करोगे क्यों क्योंकि जैसे जैसे करेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज जो है वो कम हो रहा है क्योंकि कैपेसिटर का चार्ज जैसे जैसे कम हो रहा है वही चार्ज तो करंट बना रहा है सर्किट में राइट right? तो यहाँ भी आपको ये माइनस साइन इंक्लूड करना चाहिए सो इफ यू इंक्लूड दैट माइनस साइन हियर तो तुम्हारा यहाँ पे ये यह प्लस हो जाएगा ठीक है तो बेसिकली ये जो माइनस साइन यहां पर हम यूज कर रहे थे दैट इज मोस्टली फॉर दिरेक्शन वाला थिंग कि ये चीज बढ़ रही है तो वो चीज घट रही है जैसे जो लेंस लॉ में डिस्कस करते थे ठीक है ना तो इस डिस्कशन से हमें क्या पता चला कि भाई एलसी ऑसिलेशन जो है ना ये वाकई में ऑसिलेशन है क्योंकि देखो ना मैथमेटिकली भी हम एक ऐसे जगह पे आ पहुंचे हैं विच रिजेंबल सो मच विथ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो बच्चों विथ दिस डायग्राम हम और अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे कि भाई एलसी ऑसिलेशन का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक मैकेनिकल सिस्टम में मैकेनिकल ऑसिलेशन का बिहेवियर होता है ठीक है तो इसमें हम कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि एलसी ऑसिलेशंस, और ये नीचे है हमारा मैकेनिकल सिस्टम ठीक है जिसमें एक ब्लॉक है जिसको हमने न्यू स्प्रिंग से लगा रखा है ठीक है तो नॉर्मल तौर पे क्या होता है जैसे जब आप इसको एकदम एक्सट्रीम तक खींच के ले जाते हो तो इस समय ये मूव नहीं कर रहा होता है इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है करेक्ट जैसे आप इसको छोड़ देते हो ये मूव करने लगता है तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कुछ होती है दैट इज नॉन जीरो और इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होती है ठीक है जब ये और पास आके अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है उस टाइम पे क्या होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाता है बट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बिल्कुल मैक्सिमम पे होती है मतलब वो बिल्कुल यूँ जाना चाहता है तो यहाँ पर ये बीच वाले पोजिशन पर ये रुकना नहीं चाहता है इसको आना होता है ठीक है उसके बाद जब ये और आगे बढ़ जाता है तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फिर से थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है और काइनेटिक एनर्जी जो है ना अब धीरे धीरे घटने लगती है क्योंकि यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी जो था वो मैक्सिमम था बट अब वापस से काइनेटिक एनर्जी थोड़ा घटने लगा वापस से जब ये बिल्कुल अंदर वाले पोजीशन में आ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैक्सिमम हो जाता है राइट right? तो देखो यहां पे चल क्या रहा था थ्रू आउट थ्रू आउट यही चल रहा था कि भाई काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी वॉज कॉन्स्टेंट एंड ऑल द स्टेजेस ठीक है, पहले पोटेंशियल मैक्सिमम था काइनेटिक जीरो था धीरे धीरे करते करते काइनेटिक मैक्सिमम हो गया पोटेंशियल जीरो हो गया फिर धीरे धीरे करते करते पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया काइनेटिक जीरो हो गया ठीक है तो मैकेनिकल सिस्टम में कुछ ऐसा हो रहा था अब देखते हैं एलसी सी ऑसिलेशन में क्या हो रहा है एलसी ऑसिलेशन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमने क्या बोला स्टार्टिंग में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमने अपने कैपेसिटर को जो है फुल्ली चार्ज कर दिया है तो इसीलिए कैपेसिटर में स्टोर्ड जो एनर्जी है वो इस टाइम पर मैक्सिमम है ठीक है यू जो है यू ई इनफैक्ट जो ये कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम ठीक है इस दौरान इंडक्टर के अबाउट कोई एनर्जी नहीं है इसीलिए देखो ये जीरो है थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि इसी का चार्ज निकल निकल के ऐसे करंट फ्लो करता है करंट फ्लो करता है तो क्या होता है इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है इसमें भी कुछ कुछ एनर्जी आती है ऐसे करते करते थोड़ी देर के बाद इसका सारा चार्ज जो है ऐसे करंट बन के फ्लो करने लगता है इस वजह से कैपेसिटर के अक्रॉस का एनर्जी जीरो हो जाता है लेकिन जो इंडक्टर के अक्रॉस का एनर्जी होता है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर वो मैक्सिमम हो जाता है ठीक है अब फिर उल्टा साइकिल चालू होता है उसके बाद फिर से जो करंट का फ्लो होता है उसकी वजह से क्या होता है इस कैपेसिटर का वापस से चार्जिंग होता है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके फिर यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है दिस पॉइंट इज एग्जैक्टली सेम एज द इनिशियल पॉइंट जहाँ पर यू ई की जो वैल्यू होती है ना कैपेसिटर के, के अक्रॉस वो मैक्सिमम हो जाती है लेकिन यू बी की जो वैल्यू होती है ना वो ज़ीरो हो जाती है तो अब देखो दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं राइट तो एल सी में भी क्या हो रहा है कि एक बार कैपेसिटर की एनर्जी मैक्सिमम है फिर इंडक्टर में चली जा रही है वही एनर्जी फिर वापस कैपेसिटर में आ रही है फिर इंडक्टर में जा रही है तो मतलब वो जो एनर्जी है ना वो ऑसिलेट कर रही है बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर तो बच्चों हम ये नोटिस करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये जो एल सी ऑसिलेशन होते हैं ये बिल्कुल एक मैकेनिकल सिस्टम के मैकेनिकल ऑसिलेशन के जैसे होते हैं याद है वो हम फिजिक्स के बेसिक्स में पढ़ते थे क्लास इलेवेंथ में कि एक ब्लॉक है जिसके साथ एक स्प्रिंग अटैच किया हुआ है उसको आप यूं यूं मूव करोगे तो किस तरह से एनर्जी के चेंजेस होंगे तो यहां पर जो हमने देखा वो एग्जैक्टली exactly उसी का ही एनालॉजी है तो चलो एक बार दोनों को कंपेयर करते हैं अगर बात करें हम एक मैकेनिकल सिस्टम में तो वहां पर जो टोटल एनर्जी की बात हम करते हैं दैट इज मैकेनिकल एनर्जी विच इज हाफ के एक्स स्क्वायेयर प्लस हाफ एम वी स्क्वा दूसरी तरफ जब हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं वहां पर जिस टोटल एनर्जी की हम बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टर्म तो है वो कैपेसिटर की वजह से है दूसरा एनर्जी का टर्म जो है, वो की से है, है ना अब इनके अंदर जो एक एक क्वांटिटी है ना हम देखते हैं कि वो सारे एक दूसरे के एनालॉगस हैं मैकेनिकल सिस्टम में अगर मास एम है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है इंडक्ट एल मैकेनिकल सिस्टम में अगर फोर्स कॉन्स्टेंट के है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज वन बाई सी मैकेनिकल सिस्टम में अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है चार्ज क्यूब मैकेनिकल सिस्टम में अगर है डिस्प्लेसमेंट विच इज डीएक्स बाई डी टी तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है करेंट विच इज डी क्यू बाई डी टी तो इस तरीके से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये एलसी ऑसिलेशन बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एक मैकेनिकल सिस्टम में मैकेनिकल ऑसिलेशन होते हैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है दिमाग में कि आर एल सी ऑसिलेशन रियलिस्टिक क्या रियालिटी में एलसी ऑसिलेशन का होना पॉसिबल है मुमकिन है एंड द आंसर इज नो अब आप पूछोगे कि मैम फिर इतना पढ़ाया क्यों बिकॉज द कॉन्सेप्ट वॉज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि वाई एल सी ऑसीलेशन आर नॉट रियलिस्टिक अगर आपने नोटिस किया हो इन एल सी ऑसीलेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के दौरान कुछ कुछ चीज़ें हमने बाई डिफॉल्ट एज्यूम कर ली थी ठीक है जैसे कि पहला एजामेश्चन हमारा ये रहा कि भाई जो इंडक्टर है ना इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है ये प्योरली एक इंडक्टर है जो कि रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है हर इंडक्टर का कुछ ना कुछ थोड़ा ही सही बट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है और जहाँ रेजिस्टेंस सीन में आ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या करता है रेजिस्टेंस हमेशा चीज़ों को अपोज करता है करंट को अपोज करता है मोशन को अपोज करता है राइट तो रेजिस्टेंस की वजह से डैम्पिंग इंट्रोड्यूस होता जिसकी वजह से जो ऑसीलेशनस हैं वो धीरे धीरे डाई आउट कर जाते राइट फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पेंडुलम रहता है टिंग 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 ऐसे मूव तो करता है बट अगर एयर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो ये धीरे धीरे रुक ही जाता है तो उसी तरह से रेजिस्टेंस के होने की वजह से ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ऐसी ऑसिलेशन्स का कॉन्सेप्ट आ नहीं पाएगा दूसरा रीज़न है हमने ये एज्यूम कर लिया कि देर इज़ नो एनर्जी लॉस्ड मतलब जितनी एनर्जी है ना वो कैपेसिटर से इंडक्टर इंडक्टर से कैपेसिटर कैपेसिटर से इंडक्टर इंडक्टर से कैपेसिटर उसी के बीच में ऑसिलेट कर रही है मतलब बाहर तो कोई एनर्जी जा ही नहीं रही है विच इज़ अगेन नॉट रियलिस्टिक ये भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है थोड़ा ही सही बट कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगा सिस्टम से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जहाँ थोड़ी बहुत एनर्जी बाहर चली जाएगी वहाँ पर तुम्हारा ये जो ऑसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना ये ट्रू नहीं हो पाएगा क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा थोड़ी एनर्जी एक बार में चली गई फिर थोड़ी चली गई फिर थोड़ी चली गई ऐसे करते करते क्या होगा ये जो एनर्जी का जो ऑसिलेशन हो रहा था वो धीरे 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 क्या होगा रुकने लगेगा धीरे धीरे कम होने लगेगा राइट सो दीज आर द टू रीजन जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एलसी ऑसिलेशन आर नॉट रियलिस्टिक तो बच्चा बाटी ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद यह पढ़ना बहुत जरूरी है कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट हम यूज कहां पे करते हैं मतलब कोई एप्लीकेशन इसका अगर पता चले तो मजा आएगा तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन विच इज अ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफार्मर का नाम तो सुना ही होगा सबने अपने डे टू डे लाइफ में तो ट्रांसफार्मर होता क्या है एक ऐसा डिवाइस जो वोल्टेज को चेंज कर सकता है मतलब वोल्टेज को बढ़ा सकता है वोल्टेज को घटा सकता है दैट्स अ ट्रांसफार्मर इनफैक्ट हमें ट्रांसफार्मर के अंदर दो डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिलती है जैसे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप अप मतलब ऊपर चढ़ा दो वोल्टेज को बढ़ा दो स्टेप डाउन मतलब नीचे लेके जाओ वोल्टेज को घटा दो सो दैट्स अ ट्रांसफार्मर कहाँ काम आता होगा ये ट्रांसफार्मर छोटी छोटी चीज़ों में भी ट्रांसफार्मर काम आता है क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है सेल फोन जो होता है उसके चार्जिंग के लिए चाहिए होते हैं लेट से पाँच से दस वोल्ट दूसरी तरफ जो बड़े अप्लायसेज घर पे होते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर इनके ऑपरेशनल होने के लिए चाहिए होता है काफ़ी ज़्यादा वोल्ट्स मे बी अराउंड टू हंड्रेड वोल्ट्स राइट लेकिन हम करते क्या है उसको एक सॉकेट के अंदर दोनों ही केस में हम सॉकेट के अंदर प्लग डाल देते हैं और उसे अपनी रिक्वायर्ड वोल्टेज मिल जाती है इज इंट दैट सरप्राइजिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया उसी सॉकेट में हमने कभी तो अपना फोन चार्ज करने के लिए डाल दिया प्लग कभी तो किसी और अप्लायंस का डाल दिया जबकि दोनों की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेम नहीं है वायरलेस चार्जिंग हम सब ने सुना है हाउ डज दैट वर्क तो इन सब के पीछे छुपा हुआ है ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज के लेवल को ऑल्टर कर सकता है अब जानने की उत्सुकता तो सबको होगी कि भाई ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके काम करता है सो ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हमने सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा था राइट right? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट -फड़ से जाओ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन होता क्या है तो इसमें प्राइमरीली तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पहला होता है इसका प्राइमरी कॉयल दूसरा होता है इसका सेकेंडरी मतलब एक प्राइमरी कॉल है एक सेकेंडरी कोईल है दोनों को हमने लपेट के रखा है एक सॉफ्ट आयरन कोर में ठीक है तो ये इसके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ठीक है जो प्राइमरी कॉइल है उसके वी अज्यूम उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है दैट इज एन एस और ये जो दोनों कॉयल्स हैं दे आर परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर मतलब वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में नहीं है किसी भी तरीके से इससे पहले कि हम ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग को समझें कुछ एजाम्पन्स के साथ हम इसके वर्किंग को समझेंगे ठीक है तो हमारे कुछ एजाम्शन्स इस तरीके से होंगे जैसे कि पहला एजाम्पन होगा कि प्राइमरी कॉयल के अक्रॉस जो प्राइमरी वोल्टेज है या प्राइमरी करंट है उनकी वैल्यू स्मॉल है दूसरा एजाम्शन होगा कि जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉयल से लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स लगभग सेकेंडरी कोयल से भी लिंक्ड है बोलने का मतलब है कि दोनों कॉयल्स के बीच में जो फ्लक्स का लॉस है इन द कोर दैट इज वेरी लेस तीसरा एक्जाम्पशन है कि सेकेंडरी कोयल के अक्रॉस भी जो करेंट है दैट इज ऑल्सो स्मॉल नॉट वेरी हाई तो चलो अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग को हमारा जो प्राइमरी कॉयल है उससे कनेक्टेड होता है ए सी सोर्स जो सेकेंडरी कोयल है उससे कनेक्टेड होता है कोई भी डिवाइस जैसे ही हम अपने एसी सोर्स से अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं इस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से क्योंकि वो करंट क्या कर रहा होता है अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है ड्यू टू दिस चेंजिंग करंट क्या होता है एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है तो यानी कि प्राइमरी कॉयल में एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है अब जैसे ही एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉल में है तो पड़ोसी वाले कॉल के साथ क्या होता है ई एम एफ इंड्यूस हो जाता है म्यूचुअल इंडक्शन में यही तो देखा था कि भाई अगर पड़ोस वाले में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इस वाले कॉयल में ई एम एफ इंड्यूस हो जाता है तो वैसा ही यहाँ पे होता है कि सेकेंडरी कॉयल में ई एम एफ इंड्यूस हो जाता है कितना ई एम एफ इंड्यूस होता है वो सब भी हमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पता है तो सेकेंडरी कॉयल पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू ईएस लेट से से हम उसे डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल माइनस साइन क्यों है है? लॉ लॉ याद है ना? क्या कहता है इंड्यूस्ड ई एम एफ ऐसे डायरेक्शन में होता है ताकि ये फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके और वही माइनस साइन डिनोट करता है अब क्या होगा ये जो फ्लक्स चेंज है ये जो चेंज ऑफ फ्लक्स है इसकी वजह से एक ई एम एफ वापिस प्राइमरी कॉइल में भी तो इंड्यूस होगा क्योंकि जहां पर भी चेंज इन फ्लक्स है वहां पर ई एम एफ इंड्यूस होगा तो प्राइमरी कॉयल पे जो ई एम एफ इंड्यूस होगा उसे हम कहते हैं बैक ई एम एफ क्यों क्योंकि मतलब इसने प्राइमरी ही पहले एक इंड्यूस किया सेकेंडरी इंडिया में अब प्राइमरी कॉइल in in दोनों में ही हमने डी फाइव बाई डी ही यूज किया है क्यों क्योंकि हमारा ये एजॉम्पन था कि दोनों ही कॉयल का जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो सेम होगा बिकॉज वी एज्यूम कि दोनों के बीच में फ्लक्स का लॉस जो है दैट इज वेरी मिनिमल तो भाई हमने प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कोयल में इंड्यूज ई कितना है वो तो निकाल लिया ठीक है अब हमने कुछ कुछ चीज़ें एज्यूम कर रखी थी जैसे मान लो हमने एज्यूम कर रखा है कि जो प्राइमरी कॉयल है उसका रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही नेग्लिजेबल है तो ऐसे कुछ एजाम्पन्स के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी कोयल का जो इंड्यूज ई है वही प्राइमरी कोयल के अक्रॉस वोल्टेज है उसी तरह सेकेंडरी कोयल में जो इंड्यूज ई की वैल्यू है वही सेकेंडरी कोयल के अक्रॉस वोल्टेज है ठीक है तो मतलब हम ई एस और ई पी को वी एस और वीपी लिख सकते हैं वेर वी एस एंड वीपी आर द वोल्टेज एक्रॉस सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल्स तो अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में भी ई एस और ईपी को रिप्लेस कर देते हैं विथ वी एस एंड वीपी तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाता है ठीक है अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो डी फाइव बाई डी टी डी फाई बाई डी टी तो कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा रिलेशन हमें मिलेगा वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द कॉयल इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल राइट मतलब कॉयल से जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको एडजस्ट करके उनको कंट्रोल करके हम उस कॉयल के अक्रॉस के वोल्टेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं राइट right? तो अब समझ में आ रहा है कि कैसे ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता बढ़ाता होगा राइट विद द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉय्स ओके अब यहाँ पर एक और एक्जाम्पन ले लेते हैं जब इतनी सारी एक्जाम्शन ऑलरेडी ली हैं तो एक एजाम्शन हमने और ले लिया कि लेट लेटर सपोज ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना ये 100 परसेंट एफिशियंट है हालांकि ऐसा रियलिटी में होता नहीं है ठीक है, है है, हमने बस मान लिया अभी के लिए कि भाई कि भाई ट्रांसफार्मर जो यानी कुछ देयर विल बी नो एनर्जी लॉस फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे केस में तो हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट पावर होगा दैट विल बी इक्वल टू द इनपुट पावर राइट कह सकते हैं हम पावर होता क्या है करंट इनटू वोल्टेज ठीक है तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का बराबर होने का मतलब क्या हुआ इनपुट पावर किधर से आ रहा है प्राइमरी कॉयल से तो इनपुट पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी आई पी इंटू वी पी आउटपुट पावर की वैल्यू सेकेंडरी कॉयल के अक्रॉस है तो आउटपुट पावर की वैल्यू हो जाएगी आई एस इंटू वी एस राइट right? तो यहां से हमें क्या मिला यहां से हमें मिला कि वी एस बाई वीपी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस मतलब वोल्टेज और करंट जो है ये क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो कुल मिला के इस पूरे डिस्कशन से हमें क्या पता चला हमें ये पता चला कि वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस मतलब नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा करंट तो बच्चों ये देखो इस रिलेशनशिप से हमें क्या पता चला कि अब हमारा जो मर्जी है ट्रांसफार्मर को स्टेप अप बनाना है बनाओ स्टेप डाउन बनाना है बनाओ ऑल यू नीड टू डू इज कंट्रोल द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कॉइल क्योंकि वी इज इक्वल टू एन एस बाई मतलब तुम्हें इनपुट वोल्टेज तुम्हें पता है कि भाई इतना इनपुट वोल्टेज है अब इस इनपुट वोल्टेज को अगर तुम्हें बढ़ाना है तो तुम क्या करोगे एनएस को बढ़ा दो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉयल को बढ़ा दो प्राइमरी कॉइल से तो उस केस में तुम्हारा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज वी एस वो भी बढ़ जाएगा तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्न्स को कंट्रोल करके वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं सो आई थिंक नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टडी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहानी की शुरुआत करेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से और मुझे पक्का पता है कि मेरे बोलने से पहले ही आप खुद ही बताओगे वॉट इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में हम क्या चाहते हैं कि मेरा वोल्टेज स्टेप अप हो जाए मतलब वोल्टेज इंक्रीज हो जाए तो इस केस में क्या होगा जो वी एस होगा मतलब वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कोयल इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉयल ऐसा कब होगा बताओ कब होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉल इज हाइयर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉयल और ऐसे सिचुएशन में करंट के साथ क्या होगा करेंट इन द सेकेंडरी कॉयल विल बी लेसर दैन द करेंट इन द प्राइमरी कॉयल और ये सारे रिलेशन हमने सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन के हेल्प से बताया वॉट इज दैट वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस तो ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा और स्टेप डाउन में क्या होगा अब बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तो यहाँ पर बिल्कुल उल्टा चलेगा सब कुछ यहाँ पर वोल्टेज को हम स्टेप डाउन करते हैं घटाते हैं यानी कि वी एस जो है इज लेस देन वी पी यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कोयल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉयल यानी कि करेंट इन द सेकेंडरी कोयल इज़ ग्रेटर दैन द करेंट इन द प्राइमरी कॉयल तो बच्चों चलो अब हम देखते हैं कि आ, कैसे सिचुएशन में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं यहाँ पर हम लेंगे एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल कि हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कहाँ से आती है वो एक सब एरिया पावर स्टेशन से आती है सब एरिया पावर स्टेशन से जितने भी घर हैं उस एरिया के अंदर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जाती है सब एरिया पावर स्टेशन पे बिजली कहां से आती है मेन पावर स्टेशन से ठीक है तो मतलब कुछ ऐसा सीन होता है कि जो मेन पावर स्टेशन है वहां से सब एरिया पावर स्टेशन में जाती है और उन सब एरिया पावर स्टेशन से उन एरिया के अंदर जितने भी हाउसेस हैं वहां पर जाती है ठीक है और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ऑब्वियसली करंट तो के फॉर्म में होती है ये इलेक्ट्रिसिटी ठीक है जो मेन पावर स्टेशन होता है वहां पर यूज होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है वोल्टेज को एम्पलीफाई कर देता है लेकिन करंट को रिड्यूस कर देता है चूंकि करंट को घटा देता है तो क्या होता है जो हीटिंग इफेक्ट करंट की वजह से होते हैं वो घट जाते हैं इसकी वजह से जो पावर लॉस होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाता है राइट क्योंकि यहां पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो मेन पावर स्टेशन को एक पर्टिकुलर लोकेशन में होता है वहां से बहुत दूर दूर तक वो ट्रांसमिट होता है टू द सब एरिया पावर स्टेशंस ठीक है तो इस वजह से क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के यूज होने की वजह से पावर लॉस मिनिमाइज हो जाता है अब जब एक बार बिजली पहुंच चुकी है जब एक बार ये ट्रांसमिशन हो चुका है और पहुंच चुका है सब एरिया पावर स्टेशन में वहां पर यूज करते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा ये वोल्टेज को रिड्यूज कर देगा ताकि घरों के अंदर बहुत हाई वोल्टेज ना जाए तो ये वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा ठीक है आप बोलोगे बट अगर वोल्टेज रिड्यूस कर देगा तो उस केस में तो पावर लॉस बहुत बढ़ जाएगा बट एक्चुअली पावर लॉस इतना बढ़ता नहीं है दैट इज़ बिकॉज सब एरिया पावर स्टेशन से जिन घरों में ट्रांसमिशन हो रहा है दे आर एट अ लेसर डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस इतने ज़्यादा नहीं है इस वजह से बहुत ज़्यादा पावर लॉस यहाँ पर नहीं होता है ट्रांसफार्मर के अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये वोल्टेज स्टेबिलाइजर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं इनफैक्ट अगर हम बात करें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज की जैसे मान लो टेलीविजन हो गया रेफ्रिजरेटर्स हो गए माइक्रोवेव्स हो गए इस तरह के जितने भी अप्लायसेज होते हैं अगर अचानक से इनमें बहुत हाई वोल्टेज आ जाए तो इससे हमारा डिवाइस खराब हो सकता है राइट इसीलिए आप देखोगे बहुत सारे जगहों में जहां पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत होता है हाई वोल्टेज लो वोल्टेज बहुत होता है वहां पर आप देखोगे की इस तरह के डिवाइसेज के साथ अलग से एक वोल्टेज स्टेबिलाईजर अटैच किया हुआ होता है ताकि ये वोल्टेज स्टेबिलाईजर भले ही इनपुट वोल्टेज हाई आए या लो आए वो उसे स्टेबिलाईज कर देता है एंड दैट्स हाउ जो हमारा डिवाइस होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है तो बच्चों थोड़ी देर पहले जब हम ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग को समझ रहे थे तो हमने एक एजाम्पन ले लिया था कि लेटर्स एज्यूम की ट्रांसफॉर्मर जो है ये है और उसी समय मैंने ये बता भी दिया था कि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है कोई भी ट्रांसफॉर्मर हंड्रेड परसेंट एफिशियंट तो नहीं होता है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता ही है तो अभी इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर और किस तरह से हम उन एनर्जी लॉसेज को खत्म तो नहीं कर सकते हैं बट उन्हें मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं तो जो पहला हम डिस्कस करेंगे दैट इज फ्लक्स लीकेज रियलिटी में होता कुछ यूं है कि भाई प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कोयल इन दोनों के बीच में एयर गैप होता है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एयर रह जाता है जिसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज प्राइमरी कॉयल के अक्रॉस होता है एग्जैक्टली exactly वही फ्लक्स चेंज सेकेंडरी कोयल के अक्रॉस नहीं हो पाता है थोड़ा बहुत फ्लक्स जो है वो एयर से पास होने के दौरान लीक हो जाता है ठीक है तो दैट्स द रियलिटी बट इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं इसको मिनिमाइज करने का एक तरीका जो निकाला गया है दैट इज स्टोरॅडल ट्रांसफॉर्मर मतलब ऐसा करो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल के बीच में जगह ही नहीं छोड़ो कि वहां पे एयर गैप्स बन सके तो लोगों ने क्या किया कि भाई प्राइमरी कॉयल को पहले लपेटा उसी के ऊपर सेकेंडरी कॉयल को लपेटा बट इट वॉज एंश्योर्ड कि दोनों जो है इंसुलेटेड है एक दूसरे से ठीक है ऐसा करने से क्या हुआ एटलीस्ट एयर गैप जो है वो रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली फ्लक्स लीकेज भी रिड्यूस हो जाएगा दूसरा फैक्ट

रेजिस्टेंस को कम करके रेजिस्टेंस क्या होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए तो रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि अगर हम इन वायर्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दें तो इनका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा जिसकी वजह से हीट लॉस भी कम हो जाएगा है ना तो हम क्या कर सकते हैं इसीलिए इसीलिए हम हमेशा थिक वायर्स यूज़ करते हैं इन वाइंडिंग्स के लिए क्योंकि थिक वायर होगा तो उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगा हीट लॉस कम होगा तीसरा फैक्टर है एडी एडी करंट्स यहाँ पर पिक्चर में कहाँ से आ जाएगा क्यों नहीं आएगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अगर है और तुम्हारे पास अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर है तो उस सॉफ्ट आयरन कोर की बॉडी में एडी करंट्स तो डेवलप हो ही सकते हैं और जहां करेंट्स डेवलप होगा करंट डेवलप हो रहा है यानी कि वो अप हो, हो रहा है तो क्या ये ट्रांसफॉर्मर के लिए अच्छा है यूज अच्छा तो कर करना cores, मतलब कोर को एक पतले से इंसुलेटेड कवरिंग में डाल देते हैं इससे क्या होता है कि जो करेंट्स अगर जनरेट होता भी है बट इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट्स हीटिंग इफेक्ट्स तो उस तरीके से हम इस हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं चौथा फैक्टर है है याद मैग्नेटिज्म वाले लेसन में हमने हिस्टेरिस के बारे में पढ़ा था लूप आ, लूप का जो एरिया होता है वो एरिया हमें बताता है कि उस मटेरियल का हिस्टेसिस लॉस कितना है याद है कुछ याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है तो जाके मैग्नेटिज्म वाला वीडियो देखो सो यहां पर हम इतना ही कहेंगे कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है ये क्या होता है विथ टाइम इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड इसका जितना एनर्जी लॉस होता है दैट इज शोन बाय द हिस्टेरिस लूप तो अगर सॉफ्ट आयरन कोर का देखोगे, तो यू विल सी दैट द एरिया अंडर द कर्व इज वेरी लेस कंपेयर टू एनी अदर परमानेंट मैगनेट इसी वजह से हम सॉफ़्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर ताकि हम ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसका हिस्टेरिस लूप के अंदर का एरिया इज़ वेरी लेस जिसके वजह से हीट लॉस ड्यू टू हिस्टेरिस इज़ ऑल्सो वेरी लेस हिस्टेरेसिस में हीट लॉस का मतलब होता है कि जब ये ये जो सब्सटेंस है सॉफ्ट आयरन कोर है जब ये मैग्नेटाइज हो रहा होता है उस दौरान कितना एनर्जी लॉस हो रहा है तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरे उम्मीद है कि अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा है तो आपके ऑल्टरनेटिंग करेंट्स के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताओ कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय